है ना। तो अभी हम एक बार पढ़ चुके हैं, तो एक बार में हमें मोटा मोटा पता चल गया कि चैप्टर में है क्या क्या, कौन कौन से टॉपिक हैं, कम से कम हमें टॉपिक का आइडिया हो गया क्या क्या चैप्टर में है ना, वो तो हमें क्लियर हो गया। सर। ओके तो अब जो है इसको बेसिक से देखते हैं कि इसमें कौन कौन से हमारे चैप्टर हैं, सॉरी कौन कौन से उसमें चीज़ें हैं, उनको ध्यान से देखते हैं। तो आप लोगों को स्क्रीन वगैरह दिख रही है अभी? यस सर। यस सर। ओके ठीक है। तो ग्रेविटेशन चैप्टर में जो हमने स्टार्ट किया था, फर्स्ट क्या था हमारा, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था। तो जिन लोगों ने नहीं किया है, जिनका फर्स्ट टाइम हो रहा है, वही आंसर देंगे अभी, बाकी लोग जो है शांत रहिएगा, ज़्यादा डिस्टर्ब मत करिएगा, ठीक है, क्योंकि उन लोगों का होना ज़रूरी है ना, बाकी लोगों को तो आता ही है, तो उन लोगों को थोड़ा सा टाइम दो। तो सभी पढ़ेंगे हम। हाँ पढ़े पढ़ो सर सभी। सभी वही है सर, जो नहीं हुआ जिनका सर नहीं अच्छा हुआ। सारे वही हैं। यस अच्छा ओके चलिए। हाँ मगर कोई अगर ऐसा स्टूडेंट है जिसका हो गया है तो फिर वो डिस्टर्ब मत करना, और अगर सारे लोग का नहीं हुआ है तो फिर तो ठीक है, फिर तो सेम स्पीड रखेंगे। तो बताओ फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था, उसमें क्या बोलता है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? हाँ लॉ तो उसमें सर कि एक चीज अगर सर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहिए सर, और जो रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहना चाहिए जब तक उसे कोई बाहर की फोर्स अफेक्ट ना करे। ये तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन है ना, ये तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन है। अभी हम न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात कर रहे हैं, जो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता है वो क्या होता है, न्यूटन ने ग्रेविटेशन में क्या लॉ दिया था, इसको न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बोलते हैं, या फिर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बोलते हैं, या न्यूटन यूनिवर्सल लॉ भी बोलते हैं। न्यूटन ने बोला था ना, दो बॉडी अगर होती हैं तो आपस में अट्रैक्ट करती हैं, उनके बीच में फोर्स जो निकालते हैं। यस सर, उनके बीच में फोर्स ग्रेविटी का होता है, और जो दोनों मास होते हैं वो आपस में प्रोडक्ट उनका प्रोपोर्शन। दोनों मास के बीच में जो फोर्स होता है वो किसके प्रोपोर्शन होता है? M1 M2 के प्रोडक्ट के। एक तो ये बोला था न्यूटन ने कि आप दोनों यस मास को सर। मल्ट है ना, दोनों मास को मल्टीप्लाई कर दो उनकी वैल्यू, तो फोर्स उसके प्रोपोर्शन होगा। एक तो ये है, ठीक है। ये सर दूसरा इनवर्स इनवर्सरी प्रोपोर्शनल होता है इनके बीच के डिस्टेंस के। यस करेक्ट, तो आपका इन्वर्सली रिलेशन होता है डी स्क्वायर से, 1/d² सॉरी। तो आपका जो भी अगर डी ज्यादा होगा तो फोर्स क्या होगा हमारा, कम या ज्यादा? सर कम। अगर मेरा डी ज्यादा होगा ये, तो फोर्स क्या हो जाएगा, जाएगा सर कम है, तो कम। ये है ना 1/d² से रिलेटेड है। और अगर मास ज्यादा होगा तो फोर्स और बढ़ेगा बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा, है ना। तो न्यूटन ने बोला था कि ये इनके प्रोडक्ट के प्रोपोर्शन होता है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू द डी स्क्वायर होता है। तो यहाँ से हमारा जो निकल के आता है, क्या निकल के आते हैं, एफ प्रोपोर्शनल टू M1 M2 by d² ये निकल के आया। और आपको पता है जब प्रोपोर्शन का साइन हटाते हैं तो इक्वल टू का साइन लगाते हैं, तो एक कांस्टेंट आता है आपका। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट, कांस्टेंट जी। यहाँ पे जो कांस्टेंट आता है उसको यस जी सर। बोलते हैं, कैपिटल जी बोलते हैं उसको। तो ये फॉर्मूला हमारा बन जाता है, ठीक है। यस सर। सर कैपिटल जी मार तभी आएगा जब हम प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे। हाँ यहाँ पे जब हम प्रोपोर्शन का साइन हटाएंगे तो हमारा कैपिटल जी आएगा। आप अलग अलग चैप्टर में पढ़ोगे, जब अलग अलग चैप्टर में कुछ ऐसा आप निकालते हो ना कि कोई चीज़ किसी के प्रोपोर्शन है, मान लो वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू समथिंग है, तो आप ये साइन हटाओगे तो कोई कांस्टेंट आएगा, तो अलग अलग कांस्टेंट यस आते हैं हर सर। जगह, सर किसी में के आता है, किसी में जी। किसी में कुछ आएगा किसी में कुछ आएगा, तो यहाँ पे जो हमारा जी आएगा, ठीक है। तो यस सर। जब हम प्रोपोर्शन का साइन हटाएंगे तब आएगा। इतना क्लियर हुआ सबको? यस सर। यस सर। ओके तो न्यूटन ने ये बोला कि ये इसके प्रोपोर्शन होगा मास के प्रोडक्ट के, फोर्स जो आपका लगेगा आपस में, और इन्वर्सली प्रोपोर्शन होगा उन दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो वहां से निकल के ये आया। तो यहाँ पे जो जी की वैल्यू होती है वो आपको याद करनी है, जी की वैल्यू कितनी होती है हमारी, 6.67 × 10⁻¹¹। करेक्ट। यूनिट क्या बनेगी इसकी,
इसकी यूनिट न्यूटन होती है फोर्स की, यस सर, मास की क्या होती है? केजी। केजी, केजी मीटर पर सेकंड। नहीं, केजी होती है मास की, तो ये केजी स्क्वायर हो जाएगा, केजी इंटू केजी। और ये डी की यूनिट क्या होती है डिस्टेंस की? सर मीटर, मीटर। मीटर। तो हमें जी की यूनिट चाहिए, तो जी को निकालने के लिए क्या कर सकता हूँ मैं? जी को लिख सकता हूँ इस फॉर्मूले से, जी इक्वल टू एफ इंटू डी स्क्वायर बाय एम वन एम टू, ये लिख सकता हूँ। यस सर, तो बताओ फिर यूनिट क्या आएगी? यस सर। सर न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। करेक्ट, फोर्स का न्यूटन आ जाएगा और डी स्क्वायर का मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो लिखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में केजी का स्क्वायर। इतना क्लियर हुआ सबको? यस सर, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, न्यूटन डैश मीटर स्क्वायर लिखते हैं, तो इसको माइनस नहीं होता है, न्यूटन इसका मतलब मल्टीप्लाई है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो आप, तो एक ही बात है। ठीक है, यस ओके। तो ये हमारा न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हुआ। अच्छा एक चीज बताओ, अगर मैं डिस्टेंस को डबल कर दूं यहाँ पे जो डी है ये, तो फोर्स कितने टाइम्स हो जाएगा? अगर वन मैं बाय डी फोर डी को 2D कर दूं तो फोर्स कितना हो जाएगा? 1/4। बाकी लोग क्या बोलते हैं? सर, यस सर, डी को अगर मैं यहाँ पे 2D लिखूंगा तो 2D का स्क्वायर हो जाएगा ये, सर, यस सर, तो 2D का स्क्वायर मतलब 4D स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे अपॉन में, तो यस सर, फोर्स हमारा कितना हो जाएगा? F/4 हो जाएगा। यस सर, तो अगर हमने डी को बढ़ाया तो फोर्स क्या हो गया? घट गया। यस सर, ओके, तो ये बात क्लियर हुई सबको, समझ में आया? हमारा 1/4 क्यों होगा फोर्स, फिर अगर हम उसको डबल करेंगे तो। भाई आपका पहले फोर्स क्या था? पहले फोर्स हमारा था जी एम वन एम टू बाय डी स्क्वायर। अब नया फोर्स क्या हो जाएगा? जी एम वन एम टू बाय 2D का स्क्वायर, अगर डी को डबल कर दोगे तो कितना आ जाएगा? ये इतना आ जाएगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? यस ये लिख सकता हूँ। और ये क्या चीज़ है? ये आपका पहले वाला फोर्स है, तो ये 1/4 ऑफ द एफ हो गया, तो आपका नया फोर्स है वो सर, 1/4 ऑफ द एफ है। क्लियर? यस सर, सॉरी सर, न्यूटन फोर्थ लॉ कह सकते हैं। नहीं, लॉ क्यों हुआ? लॉ कैसे हुआ ये? लॉ तो तब होता है ना जो ये लॉ तो तब जीएमएम सर, जीएमएम बाय आर स्क्वायर वाले। नहीं, सेकंड, इसको फोर्थ लॉ नहीं बोलते हम लोग, वो फोर्थ, वो लोग लॉ अलग अलग हैं, ये इसको हम न्यूटन लॉ ही बोलते हैं, ग्रेविटेशन, न्यूटन लॉ ग्रेविटेशन। ठीक है, ओके ओके। अच्छा, ग्रेविटेशन फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है? सर, डाउनवर्ड्स सर, मतलब डाउनवर्ड्स, ये दो दो प्लेनेट हैं तो डायरेक्शन क्या होगी इसके लिए? डाउनवर्ड क्या है? डाउनवर्ड तो कुछ भी नहीं है इसके लिए, सर ये दूसरे पर ट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्टिव होगा ग्रेविटेशन फोर्स। यस सर, तो इस पे जो फोर्स, यस सर, इस पे जो फोर्स लगेगा इधर को लगेगा, यस सर, और 2 पे जो फोर्स लगेगा इधर को लगेगा, यस सर, तो इसको हम बोलेंगे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 सेकेंड बॉडी, यस और इसको क्या बोलेंगे? सर, फोर्स ऑन टू ड्यू टू सेकंड वो फर्स्ट बॉडी, यस तो इसको F21 लिखेंगे, सर, इसको F12 लिखेंगे। ठीक है, F12 क्या है हमारा? फोर्स ऑन बॉडी 1 बाय बॉडी टू, यस बाय बॉडी 2। ठीक है, F21 जो है उल्टा हो जाएगा, फोर्स ऑन बॉडी 2 बाय बॉडी 1, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इधर को होगी। ठीक है, क्लियर है?
यस सर, हाँ जी पूछिए। सर एक चीज पूछनी है सर। अब बोलते हैं सर जो प्लूटो है सर वो मतलब विलुप्त हो गया, तो सर उसने अट्रैक्ट क्यों नहीं किया सर, वो दूसरे की तरफ अट्रैक्ट क्यों नहीं हुआ फिर कौन? सर? जो प्लूटो था सर अब हाँ तो वो गायब हो गया, तो सर उसने फिर नेपच्यून से क्यों अट्रैक्ट नहीं किया सर, वो फिर कैसे चला गया? नहीं, अट्रैक्ट तो देखो, बॉडी जो है अट्रैक्ट करेंगे तो उसमें कई सारे वो होंगे ना भाई। आपकी मान लो एक बॉडी यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। अब ये दोनों अट्रैक्ट हो रहे हैं आपस में, ये भी हो रहा है, ठीक है। अब ये बॉडी कहाँ जाएगी, किधर को जाएगी, वो किस पे डिपेंड करता है। सारे अट्रैक्शन सर फोर्स पे फोर्स डिपेंड करेगा, पे इस पे भी डिपेंड करेगा, इस पे भी डिपेंड करेगा। देखते यस सर, कोई उसके ज्यादा अलावा लगाएगा कोई कम। करेक्ट, उसके अलावा इसकी जो वेलोसिटी होगी इस पे डिपेंड करेगा। इसकी वेलोसिटी पहले मान लो इधर को थी, अब हो सकता है आप फोर्स इधर को लगा रहे हो तब भी इधर को जा रहा हो। अगर यस इसकी वेलोसिटी मान लो है ना इधर को है, अब इधर को वेलोसिटी कैसे आ गई, उसका कोई भी रीजन हो सकता है। हो सकता है कोई एटॉमिक ब्लास्ट हुआ हो या कुछ हुआ हो, कोई भी रीजन हो सकता है। उसके कारण मान लो उसकी वेलोसिटी इधर को थी, तो ये फोर्स इस पे इस डायरेक्शन में लग रहा है, तब भी इधर को भाग जाएगा कुछ, है ना। तो इसमें तो कई सारे फैक्टर है ना। जब आप किसी ऐसे बात करते हो, कोई सोलर सिस्टम की बात करोगे या गैलेक्सी की बात करोगे या कुछ और बात करोगे, तो वहां पे कई सारे फोर्स आपको देखने पड़ेंगे कि फोर्स कहाँ कहाँ से लग रहे हैं और प्लेनेट की इनिशियल स्पीड क्या है, या कोई आपस में कोलिजन तो नहीं हो रहा, या कोई ब्लास्ट तो नहीं हो रहा। कई सारे फैक्टर वहां पे देखने पड़ेंगे हमें, है ना। तो आप इतना सिंपल नहीं है, अभी तो हम सिंपल एक पार्टिकल के लिए पढ़ रहे हैं, दो पार्टिकल के लिए, ठीक यस सर, है। तो डिपेंड करेगा। ओके चलो, अच्छा जो एक चीज और है, जो जी की वैल्यू थी वो किसने फाइंड आउट की थी, ये बता सकते हैं आप? जी की जो वैल्यू थी वो किसने निकाली थी? एक साइंटिस्ट थे आपके, केविन डिस। इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके यस सर, हेनरी कैवेंडिश। वैल्यू ऑफ जी निकाली थी, कैपिटल जी की वैल्यू। सर वो कैविंडिश होता है ना, कैविंडिश की जगह सॉरी, क्या होता है? हाँ, DISH होता है। सर सर सी नहीं आएगा। DISH, ठीक है। ओके, तो दिस इज द हाउ वी डिफाइन द न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। दिस इज अवर बेसिक फॉर्मूला। ओके, तो अब जो है, अगर आप फॉर्मूले को दोबारा ध्यान से देखें, फॉर्मूले से हमें क्या क्या चीजें निकल के आ रही हैं। फॉर्मूले में एक तो ये निकल के आ रहा है कि जो आपका फोर्स है वो प्रोडक्ट ऑफ द मास के प्रोपोर्शन था, फोर्स जो है प्रोडक्ट ऑफ द मास के प्रोपोर्शन है। और ये तो हमने पहले से स्टार्ट यहीं से किया था हमने डेरिवेशन का। सेकंड निकल सर के आ रहा आप है सर वो डी स्क्वायर है। इन्वर्सली प्रोपोर्शन डी स्क्वायर था। तो ऐसे जो फोर्स होते हैं ना, जो कि डी स्क्वायर के इन्वर्सली होते हैं, यानी जो डिस्टेंस के स्क्वायर से इन्वर्सली वेरी करते हैं, मैंने आप डिस्टेंस को बढ़ाओगे तो फोर्स क्या होगा, घटेगा यहाँ पे, है ना। यस सर 1/4 हो जाएगा। अगर डी को 2D करोगे तो 1/4 हो जाएगा। मान लो डी को 3D कर दूं तो कितना हो जाएगा फिर? अगर मैं डी को 3D कर दूं बाय तो नाइन आई बाय 9 1/9 हो जाएगा यहाँ पे। 3D का स्क्वायर आ जाएगा तो 9D² हो जाएगा ये, है ना। और अगर मैं यस 4D कर दूं तो सर 1/4 1/16 हो जाएगा। तो ऐसे वेरी करता रहेगा ये। तो कुछ फोर्स ऐसे होते हैं जो ऐसे वेरी करते रहते हैं, जो कि डी स्क्वायर से इन्वर्सली होते हैं। तो इनको बोलते हैं कि ये क्या फॉलो करते हैं, इट फॉलो इन्वर्स स्क्वायर लॉ। इसको बोलते हैं इन्वर्स स्क्वायर लॉ। इन्वर्स है ये स्क्वायर का। ये जो है इन्वर्स स्क्वायर लॉ है। ठीक है, तीसरा जो है, सर। इनवर्स वाले वही एक मतलब सर हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो फोर्स कम होगा। हाँ कम होगा और वो भी स्क्वायर से कम होगा। मैंने ऐसा नहीं हो रहा कि यस आपने डिस्टेंस को डबल किया तो फोर्स F/2 नहीं हुआ, F/4 हो गया, है ना। तो एंड स्क्वायर पर लॉ से फोर्स पड़ेगी तो डी कम हो जाएगा।
हाँ बोल सकते हो, है ना, फोर्स और डी आपस में, देखो ऐसा भी हो सकता था ना कि एफ इक्वल टू, ये भी तो हो सकता था। यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी आपका जो डिस्टेंस बढ़ रहा है तो फोर्स घटेगा, यस सर, लेकिन ये इनवर्स स्क्वायर नहीं है। यहाँ पे अगर आप डी को टू डी करोगे तो फोर्स आपका एफ बाय टू हो जाएगा, लेकिन आपके में जो है अगर आप डी को टू डी कर रहे हो तो फोर्स कितना हो रहा था, फोर बाय एम बाय फोर फोर। तो हमारा जो लॉ है वो ऐसे होता है, तो ये इनवर्स स्क्वायर फॉलो करता है, ठीक है। यस सर, ओके सर, ओके, ठीक है। दूसरा हमारा जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है दो बॉडी के बीच का, ये इंडिपेंडेंट होता है कि इसके बीच में क्या मीडियम है। इसके बीच में एयर है यहाँ पे, या पानी है, या ऑयल है, या कुछ भी है, आपका जो फोर्स आएगा वो सेम आएगा, है ना। अगर दो पार्टिकल के बीच में मैं मीडियम चेंज कर दूं कुछ, तब भी इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो क्या होगा, सेम आएगा, जी एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर ही आएगा। क्लियर। यस सर, ओके, तो यानी ये फोर्स हमारा डिपेंड नहीं करता मीडियम पे, जो हमारा मीडियम होता है इन बिटवीन, तो उस पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, ओके। कोई प्रॉपर्टी, ये जो फोर्स होता है इसकी वैल्यू क्या आएगी, ज्यादा आएगी कम आएगी। अगर मान लो मैं 1 किलो की बॉडी ले लूं और ये भी 1 केजी की बॉडी है, इन दोनों के बीच में फोर्स निकालते हैं अगर, तो वैल्यू कितनी आएगी, कितनी आएगी, जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर ही बाय आएगी। आर स्क्वायर अब इसका वैल्यू कितना आएगा, 6.67 × 10⁻¹1 सर, जी बाय आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। आर को मान लो मैं 1 मीटर मान लेता हूँ, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये सर, जी काफी कम वैल्यू आ रही है ना, ये ज्यादा है, ये यस सर, बहुत ही कम। बहुत ही कम है, 10⁻¹1 है। अगर मैं यहाँ पे 100 किलो भी ले लेता, मान लो इसको 100 100 किलो भी लेता, तब भी ये वैल्यू आपकी कितनी आती है। अगर मैं दोनों को 100 केजी लेता, मान लो 100 केजी 100 केजी होता, तो कितना आंसर आता, सर 6.67 × 10⁻¹9 नहीं आता। सोचो एक बार, अगर मैं 100 ले लूँ तो कितना आएगा, −7, 10⁻¹7 -7 आएगा ना, यस सर, −7 ये 10⁴ हो जाएगा, 11 × 10⁴ और डिवाइडेड बाय 1, तो ये -7 हो जाएगा पूरा। अब भी ये वैल्यू छोटी छोटी आई है यस काफी, अब भी वैल्यू छोटी आई है काफी, तो सर, ये हाँ जी, हमने सर 6.67 × 10⁻¹11 सर ये फोर्स माना है ना, नहीं फोर्स नहीं है, जी की वैल्यू है, तो फोर्स तो इसके बराबर होगा ना, ये तो जी की वैल्यू है, ठीक है। तो आपका जो फोर्स आ रहा है वो काफी कम आ रहा है, मैंने ये फोर्स की वैल्यू निकल के आ गई फाइनली, ये इतनी निकल के आ गई, तो ये फोर्स काफी कम आ रहा है। यस सर, तो ये जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है ये कैसा फोर्स होता है, वीक फोर्स होता है, इट इज वीक फोर्स, स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं है। आप कुछ फोर्स पढ़ोगे बहुत स्ट्रांग होते हैं, न्यूक्लियर फोर्स वगैरह जो होते हैं बहुत स्ट्रांग फोर्स होते हैं, लेकिन ग्रेविटेशन फोर्स इज अ वीक फोर्स। ठीक है, अच्छा, ये जो फोर्स है ये मैंने छोटे डिस्टेंस पे काम करता है या बड़े डिस्टेंस पे भी काम करता है, सर दोनों पे करता है।
दोनों पे कर सकते हो, दोनों में बड़े करना चाहिए। बड़े पे भी करेगा। यस सर, करेगा उसमें पर कम होगी। तो इसका जो इफेक्ट होता है वो लॉन्ग डिस्टेंस तक होता यस सर। है ना? आपका जो अर्थ है वो मून को अट्रैक्ट कर रहा है, या सन जो है अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है इतना बड़े डिस्टेंस पे, है ना? तो ये लॉन्ग डिस्टेंस फोर्स है। लेकिन अगर आप मान लो बाकी फोर्स, जैसे मान लो सपोज मैं बात करूं न्यूक्लियस फोर्स की या किसी फोर्स की, तो न्यूक्लियस फोर्स में जो फोर्स होते हैं वो बहुत छोटे रेंज में होते हैं, केवल न्यूक्लियस के अंदर काम करते हैं, है ना? या फिर मान लो भाई आपका चार्ज रखा है मान लो अर्थ पे और एक चार्ज रखा है मून पे, तो उनमें फोर्स बहुत कम आएगा, नेग्लिजिबल आएगा, है ना? नेग्लिजिबल आएगा। तो वो बहुत शॉर्ट रेंज के फोर्स हैं, वो ज्यादा रेंज पे काम नहीं करते, बहुत कम रेंज तक ही उनके उनकी रेंज है। लेकिन जो ग्रेविटेशन फोर्स है उसकी रेंज क्या है, बहुत ज्यादा है ना? तो बहुत बड़ी रेंज तक काम कर सकता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स। लॉन्ग रेंज फोर्स तो ये इसकी क्या है, प्रॉपर्टी। सर इसका हाँ बोलो। एग्जांपल देना होगा तो सर हम ऐसे बोल सकते हैं कि सर अगर हम अर्थ पे जंप करते हैं तो हम सीधा अर्थ के सरफेस पे आ जाते हैं, पर मून हमसे इतनी दूर है, जब भी वो अर्थ से आके क्रैश नहीं करते क्योंकि रेंज तो है पर इतनी पावर नहीं है ग्रेविटेशन में। इससे आप क्या प्रूव करना चाहते हैं? सर एग्जांपल की कम है उसकी वीक फोर्स है वो, जी की वैल्यू कम है ये? सर रेंज के साथ कम होगी। नहीं, रेंज तो आप ये बोल रहे हो ग्रेविटेशन फोर्स की रेंज काफी ज्यादा होती है, तो अगर आप ये बोल रहे हो कि चांद जो है हम पे फोर्स नहीं लगा पा रहा, तो फिर तो आप ये बोल रहे हो कि ग्रेविटेशन फोर्स की रेंज कम है उसकी, चांद की, आप ये बोल रहे हो फिर तो। सर इससे ये बोल सकते हैं सर कि सर रेंज ज्यादा है पर सर जितनी हम दूर जाते जाएंगे सर उतनी कम होती जाएगी पावर उसकी हाँ अट्रैक्ट करने की। वो तो हो गई। लेकिन नहीं, यहाँ पे एक्चुअल रीजन क्या है ना, जब अर्थ पे आप जंप कर रहे हो तो आप पे दो फोर्स लग रहे हैं, एक तो अर्थ आप पे लगा रहा है यस सर। और एक आप पे मून लगा रहा है। अब यहाँ पे किसका मास ज्यादा है, मून का या अर्थ का? अर्थ का अर्थ का ज्यादा है, तो ये ज्यादा फोर्स लगाएगा अर्थ, ठीक है। यस सर। दूसरी बात, आपका डिस्टेंस जो है यहां से अर्थ से कम है या मून से कम है? अर्थ अर्थ से कम है। से अर्थ से कम स्ट्रांग फोर्स कौन लगाएगा? अर्थ अर्थ अर्थ। तो दोनों रीजन से अर्थ जो है स्ट्रांग फोर्स लगाएगा, क्योंकि तो उसका डिस्टेंस भी कम है और मास भी ज्यादा है अर्थ का। तो हम कहेंगे कि अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स मून से ज्यादा है ना? हम ये नहीं कह रहे कि मून फोर्स नहीं लगा रहा या बहुत कम फोर्स लगा रहा, हो सकता है ज्यादा भी लगा रहा हो मून, लेकिन अर्थ का उससे भी ज्यादा है, तो नेट फोर्स आपका नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है? तो यस सर। इससे तो यहाँ पे है ना, यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स की बात है। यहाँ पे आप कब कंपेयर कर सकते हो, अगर मान लो मून के बाहर यहाँ कहीं खड़े हो और यहाँ आप कंपेयर करो कि मेरे को मून कितना फोर्स लगा रहा है, तो तब आप बोल सकते हो कि मून का फोर्स जो है ज्यादा है या कम है या कितना है, ठीक है? ओके सर। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज जो है ऑफ द ग्रेविटेशन फोर्स। तो ग्रेविटेशन फोर्स हमारा जो है प्रोडक्ट ऑफ द मास पे डिपेंड करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है, अपने सर जो ऑलवेज इंडिविजुअल अट्रैक्टिव इन नेचर। ऑलवेज अट्रैक्टिव है, ये भी एक प्रॉपर्टी लिख सकते हो आप, रिपेल नहीं करता। ऑलवेज अट्रैक्टिव है, वीक है और लॉन्ग रेंज है, तो ये इसकी जो है कुछ प्रॉपर्टीज हैं। तो आई होप सबको ये प्रॉपर्टी क्लियर हो गई होंगी। सर सर थर्ड वाली अच्छे समझ नहीं आई। डज नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम, ये वाली यस मीडियम मतलब कि मान लो दो पार्टिकल हैं और इन दोनों के बीच में हमने ग्रेविटेशन फोर्स निकाला, और सपोज उसकी कुछ वैल्यू आ गई, मान लो उसकी वैल्यू आ गई आपकी 2 × 10⁻⁴-5 न्यूटन सपोज, ठीक है? अब यस सर।
ठीक है, अब आपने यहाँ पे क्या करा, आपने बीच में यहाँ पे पानी भर दिया, इसके बीच में क्या करा, पानी भर दिया, और अब आपने फोर्स निकाला इन दोनों के बीच में, ग्रेविटेशन फोर्स। तो अब भी जो वैल्यू आएगी वो इतनी ही आएगी, ठीक है। तो इस पे डिपेंड नहीं करता कि बीच में क्या मीडियम है, इस पे डिपेंड नहीं करता, फोर्स आपका सेम आता है। तो पानी में तो फोर्स ज्यादा लगनी चाहिए, तो कौन सा फोर्स? तो ग्रेविटेशन नहीं सर, ग्रेविटेशन मिल रही थी। अलग टाइप का फोर्स लगेगा ना, बायंसी वायंसी लगेगा उसमें तो। यस सर, बायंसी लगेगा उसमें। हाँ तो वो तो अलग चीज है, हम तो ग्रेविटेशन फोर्स की बात कर रहे हैं। ग्रेविटेशन फोर्स दोनों बॉडी के बीच में सेम होगा, उस पर है ना, उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। यस सर, यही कंफ्यूजन है। यस सर। ओके, अभी क्लियर हो गया? यस सर, ओके, तो दिस इज द थर्ड लॉ कि डज नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम। तो आप पानी भरो वहां पे, ऑयल भरो या वैक्यूम रखो या एयर भरो, सब में सेम आंसर आएगा, ठीक है। चलो यस। ओके, चलो आगे चलते हैं। अच्छा, आप लोग मास और वेट में डिफरेंस समझते हैं? यस सर, ये समझ आ गया था। यस सर, ओके, तो मास क्या होता है? एक्चुअल वेट स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी है, इट इज द एक्चुअल अमाउंट ऑफ द मैटर कंटेन्ड यस इनसाइड अ बॉडी। इनसाइड द बॉडी। और वेट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। हाँ वेक्टर है, लेकिन है क्या चीज एक्चुअली? सर मास और ग्रेविटेशनल सर मास और फोर्स का ग्रेविटी का स्टैटिक प्रोडक्ट। मल्टीप्लाई कर दिया जाए। ओके, यू सर कैन मास से एंड ग्रेविटी प्रोडक्ट। ओके, इट इज अ काइंड। इसका यूनिट क्या होता है वेट का? सर न्यूटन। न्यूटन। और मास का? केजी। केजी केजी। सर, केजी। न्यूटन किसका यूनिट होता है वैसे, फोर्स का? यस सर, तो यस सर, वेट हमारा फोर्स है। कौन सा फोर्स है? अर्थ लगाती है हम पे। करेक्ट, जो अर्थ हम पे लगाती है, बाय विच अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी, या कोई प्लैनेट भी बोल सकते हो, अट्रैक्ट अ बॉडी। तो ये हमारा वेट होता है, और ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका यूनिट जो है न्यूटन होता है, और डब्ल्यू इक्वल टू सब चेंज हो सकता है सर दूसरी जगह पर, लेकिन सर मास चेंज नहीं हो सकता सर, वो कांस्टेंट रहता है। यस करेक्ट। अगर आप मून पे जाएंगे तो आपका वेट जो है सर, चेंज हो जाएगा, बिकॉज वहां पे जी चेंज चेंज हो हो जाएगा, जाएगा है ना, बट मास हमारा सर, सेम मास रहता है, कांस्टेंट रहता है। मास हमारा कांस्टेंट रहता है, ठीक है। यस ओके, सर, तो ये सबको क्लियर था ना, चलो आगे चलते हैं। इसमें फिर हमारा जो दिया हुआ था, केपलर के लॉ दिए हुए थे, केपलर लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। तो आपका जो प्लेनेट घूमता है सन के चारों तरफ, उसके लिए कुछ लॉ दिए थे केपलर ने, कि ये जो घूमता है उसमें कौन कौन से लॉ एप्लीकेबल होते हैं। तो केपलर ने तीन लॉ दिए थे, उनको हम बोलते हैं केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। मोशन। तो पहला लॉ क्या बोला था केपलर ने? पहले तो उसने ये बोला कि आप लोग जो बोलते हो ना कि जो हमारा प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं सर उनके अराउंड इलिप्टिकल पाथ पे। इलिप्टिकल पाथ पे, तो उसने ये बोला था कि आप जो बोलते हो सर्कल पे मूव करती हैं, सर्कल पे मूव करती हैं बॉडी, सर्कल में मूव नहीं करती, इलिप्स में मूव करती हैं, है ना। इलिप्स एक फिगर का नाम है, जैसे आपने रेक्टेंगल स्क्वायर सर्कल पढ़ा है, ऐसे एक इलिप्स होता है, एक फिगर ऐसा दिखता है कुछ अंडे की तरह। यस तो उसने कहा, सर, उसने कहा कि जो बॉडी है वो किस में रिवॉल्व करती हैं, इलिप्टिकल ऑर्बिट। अराउंड द सन, और सन कहाँ पे होता है? सन जो है इलिप्स के फोकस पे होता है। तो ये जो इलिप्स होता है इसका एक फोकस होता है, सर इसके फोकाई पे। इसके फोकस दो फोकस होते हैं, यहाँ पे होता है कि यहाँ पे होता है।
तो उसने बोला कि सन जो है कहीं एक फोकस पे होता है, तो मान लो सन यहाँ पे आपका, तो सन यहाँ पे, और फोकस फोकस एक टर्म है इलिप्स में यूज करते हैं, आप हायर क्लास में पढ़ोगे, जैसे हम सर्कल में बोलते हैं ना सेंटर होता है, ऐसी इलिप्स में एक फोकस होता है, ठीक है? यस yes. तो हायर क्लास में पढ़ोगे फोकस होती क्या चीज है एक्चुअली, तो इसमें दो फोकस होते हैं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, अगर है ना ऐसा होगा दो फोकस होंगे इसके, तो सन जो है किसी भी एक फोकस पे होगा, मान लो इस वाले फोकस पे सन है, तो एक फोकस पे आपका सन होगा और आपका प्लेनेट जो है ऐसे घूम रहा है, तो प्लेनेट मूव्स इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन विद सन एट वन ऑफ द फोकाई, वन ऑफ इट्स फोकाई, तो वहां पे हमारा, ठीक है, फोकस का पिलुलर फोकाई है, हाँ फोकस का पिलुलर फॉर्म इज फोकाई, तो एक किसी भी एक फोकाई पे हमारा सन होगा और ये प्लेनेट ऐसे घूम रहा होगा, ठीक है? तो दिस वाज द फर्स्ट लॉ, इज इट क्लियर? यस सर ओके, सेकेंड लॉ कैपलर का, सर एरिया सेकेंड वेलोसिटी सेम होती है प्लैनेट को सन पे, वो इक्वल एरिया होता है इक्वल टाइम इंटरवल में। सर ओके, तो मान लीजिए, प्लैनेट जो होता है अराउंड द सन के, वो सर इक्वल एरिया कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, और एरियल वेलोसिटी उसकी सेम रहती है। करेक्ट, तो मान लीजिए आपका प्लेनेट अभी यहाँ पे था और ये कुछ टाइम बाद यहाँ पे आ गया है ना, टाइम मतलब कुछ दिन लगेंगे इसे, तो ऐसा अगर मूव कर रहा होगा तो मान लो ये 10 दिन बाद यहाँ पहुँच गया, तो इसको अगर आप ज्वाइन करें तो ये आपका लेंथ है जो ज्वाइन कर रहा है प्लेनेट को और सन को, ये घूम के कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, तो ये इतने टाइम में घूम के यहाँ पे आ गया, यस तो ये जो लाइन है इसने जो एरिया कवर किया, कितना एरिया कवर किया, अगर हम इसे देखें वाइपर की तरह ये मूव कर रहा है, तो ये इतना एरिया कर चुका है कवर, सर इतना क्लियर हुआ सबको? यस सर फिर वाइपर ओके, के तो कैसे होते हैं। यस सर वाइपर कार का वो होता है ना जो साफ करता है, कांच जो सामने उसके लगे होता है, कांच का जो पानी आप बारिश आती है तो आप लगाते हो ना, चालू करते रहते हो, या फिर वाइपर आपका होता है जो साफ करने वाला, उससे आप करते हो, तो यस वैसे मूव, सर ऐसे मूव करता है ना वो भी, लेफ्ट राइट करके, तो ये भी इसको मान लो ऐसा है और ये यहाँ से घूम के यहाँ तक ले आया, आप तो इसने इतना एरिया कवर कर लिया होगा जितना मैंने ब्लू कलर में किया है, ये वापस थोड़ी यस आएगा, सर नहीं वो तो पूरा घूम के। वापस तो फिर बाद में जाएगा जब यहाँ से घूमेगा, पहले तो पूरा है ना, फिर ये यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, तो घूमता रहेगा ऐसे, फिर ये घूम के यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर वापस आएगा यहाँ पे, ऐसे होगा ना? यस सर ओके, तो मान लो ये यहाँ से यहाँ आया पॉइंट ए से पॉइंट बी में इन टाइम टी, ठीक है? अब सेम टाइम में मान लो ये, सेम टाइम में मान लो ये एक पॉइंट यहाँ से और यहाँ तक गया, पॉइंट सी से पॉइंट बी तक गया, तो अब कितना एरिया कवर किया इसने, उसको मैं ब्लू पेन से कर देता हूँ, इसने इतना एरिया कवर किया, अब जब ये यस सी सर से, यस सर ठीक है, सी से डी में गया तो इतना एरिया कवर किया, टाइम मैंने सेम लिया दोनों, सी से डी का जो टाइम लिया वो भी मैंने कितना लिया है, टी के बराबर लिया है, ठीक है? तो यहाँ पे जो एरिया कवर किया, सपोज दिस इज एरिया वन एंड दिस इज एरिया टू, ठीक है? तो कैपलर ने क्या बोला था कि सेम टाइम में जो एरिया कवर होगा वो क्या होगा, सेम होगा, सेम टाइम में जो यस एरिया कवर वो करेगा प्लेनेट का जो ये है वो सेम एरिया कवर करेगा, तो अगर आप टाइम सेम दोगे उसे तो हमेशा वो सेम एरिया ही कवर करेगा, चाहे प्लेनेट आपका पास में हो या दूर में हो या कहीं पे भी हो, वो सेम एरिया कवर करेगा, इज इट क्लियर? यस सर ओके, तो सेकंड लॉ उसने बोला था कि लाइन ज्वाइनिंग प्लेनेट टू द सन
स्वीप्स इक्वल एरिया, कब, अगर आप टाइम सेम रखोगे, इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इंटरवल ऑफ टाइम, है ना, इक्वल टाइम इंटरवल। वेलोसिटी हाँ, एरियल वेलोसिटी जो होती है, एक्चुअली हायर क्लास में आप पढ़ोगे, एरियल वेलोसिटी मेरी होती है एरिया बाय टाइम। तो यहाँ पे अगर आप एरियल वेलोसिटी लिखोगे तो एरिया बाय टाइम, या फिर ए टू बाय टी टू, तो ये आपस में क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। चलो, तो दो लो ये समझ में आ गए, दोनों लो समझ में आ यस सर, गए। ओके ती यस सर। ओके okay. तीसरा लॉ देखते हैं। तीसरा लॉ क्या था? तीसरा लॉ ये था कि ये सन जो घूमता है, मान लो आपके जो प्लेनेट हैं सन के चारों तरफ घूमते हैं, तो ये अलग अलग डिस्टेंस पे घूम रहे हैं, कोई ऐसे घूम रहा है, कोई यहाँ पे घूम रहा है, कोई यहाँ पे घूम रहा है ना, यस सर, यस सर। अलग अलग डिस्टेंस पे घूम रहे हैं सब। तो उसने जो घूमते हैं आपके, जैसे चक्कर लगाते हैं, तो मान लो अर्थ घूम रही है, अर्थ कितना टाइम लगाती है घूमने में या पूरा चक्कर काटने में सन के चारों तरफ? ईयर 1 ईयर लगाती है। 1 साल में जो है अर्थ घूम के अपने चक्कर काट लेती है कंप्लीट। ओके, तो ऐसे सारे जो प्लेनेट हैं अपने अपने उसमें घूम रहे हैं, ऑर्बिट में अपना अपना चक्कर काट रहे हैं, यस ठीक है, तो सबको अपना अपना टाइम लगेगा कंप्लीट करने में, ईयर को जो उनका है पूरा एक चक्कर काटने में टाइम लगेगा। तो उसने जो कहा था जो टाइम इनको लगेगा वो टाइम जो है उसका स्क्वायर अगर मैं कर दूं, जो भी टाइम लगेगा 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर, इसका मैं स्क्वायर कर दूं, तो ये प्रपोर्शनल होता है सन से दूरी के। सन से जो दूरी है मेरी, अलग अलग प्लेनेट की अलग अलग दूरियां हैं, तो उनके प्रपोर्शनल होता है उसके क्यूब के, उसके क्यूब के जो है प्रपोर्शनल होता है मेरा टाइम पीरियड का स्क्वायर। टी स्क्वायर इज प्रपोर्शनल टू द आर क्यूब, टी स्क्वायर इज प्रपोर्शनल टू द आर क्यूब, ठीक है। यस सर, ये समझ नहीं आया मुझे। यस ये समझ में आया कि जो अर्थ घूम रही है या सब प्लेनेट घूम रहे हैं, इनका टाइम पीरियड अलग अलग होगा सबका, सर, और सबका डिस्टेंस भी अलग अलग होगा। यस सर। ओके, तो उसने ये बोला कैपलर ने कि जो उनका डिस्टेंस होगा ना, जो भी डिस्टेंस होगा, मान लो ये R3 है या R2 है R1 है, तो इनका टाइम पीरियड और डिस्टेंस आपस में रिलेटेड हैं, तो जिसका टाइम पीरियड ज़्यादा होगा उसका डिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, या फिर जिसका डिस्टेंस ज़्यादा होगा उसका टाइम पीरियड भी ज़्यादा होगा। और इनका जो रिलेशन एक्चुअल निकलता है वो कैसे निकलता है, ऐसे निकलता है टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब के होता है। जैसे हमने ग्रेविटेशन फोर्स में क्या लिखा था, एफ प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर लिखा था ना, यस सर, यस। तो ऐसे यहाँ पे टाइम का स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर का क्यूब है। टाइम का स्क्वायर जो भी है 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर, उसका स्क्वायर जो आएगा वो प्रोपोर्शनल टू आर के क्यूब के आएगा, ये था। अगर रेडियस बढ़ेगा तो फिर टाइम भी बढ़ेगा। हाँ, अगर रेडियस बढ़ेगा तो मैंने डिस्टेंस बढ़ेगा, ये क्या डिस्टेंस है, ये है ना, सन से जो डिस्टेंस है वो मेरा बढ़ेगा अगर, तो टाइम भी मेरा ज्यादा होगा। सर, अगर हम प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे सर, इक्वल लिखेंगे सर, कोई भी कांस्टेंट आ जाएगा फिर। वहां पे हाँ, लेकिन वहां पे हमें वैल्यू नहीं पता उसकी वैल्यू क्या आएगी, तो कैपलर के हम उसमें वैल्यू हमें पता नहीं होती क्या आएगी, तो हम साइन को हटाते नहीं है यहाँ पे, हम कुछ मान लेते हैं कांस्टेंट आएगा, मान लो तो ऐसे आएगा, है ना। सर, तो हम क्या करते हैं, जब क्वेश्चन आता है क्वेश्चन में बोलता है कि एक प्लेनेट है, मान लो उसका टाइम पीरियड इज 1 ईयर, और उसका डिस्टेंस है, मान लो उसने बोल दिया कि उसका डिस्टेंस मान लो कुछ बोल दिया, मान लो 9.010^9 किलोमीटर फ्रॉम द सन, ये तो पहला हुआ। दूसरा प्लेनेट है उसका मान लो टाइम पीरियड आपको निकालना है, और डिस्टेंस उसने दे दिया मान लो 16×10^9 किलोमीटर, आप बोलेगा इसका टाइम पीरियड बताओ कितना होगा, तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे पहले आपका ये फॉर्मूला है टी स्क्वायर प्रोपोर्शन टू आर क्यूब वाला, यस सर, तो फर्स्ट यस केस में क्या सर, लिख, फर्स्ट केस में लिखेंगे 1 का स्क्वायर इक्वल टू के टाइम इसका क्यूब,
ठीक है। और सेकंड केस में, सर। सेकंड केस में हमें निकालना है टी, उसका स्क्वायर लिखेंगे हम इक्वल टू के टाइम इसका क्यूब, ऐसे लिखेंगे। यस सर। अब हमें टी चाहिए, के नहीं पता हमें, तो क्या करेंगे दोनों को डिवाइड कर लेंगे इक्वेशंस को, तो के से के कट जाएगा और इसे सॉल्व कर लेंगे। अब तो सॉल्व कर सकते हैं हम लोग आगे। यस कर लेंगे ना सॉल्व अब आगे इससे, यस सर। तो ऐसे यूज करते हैं। मैं के की वैल्यू पता नहीं होती, के की वैल्यू कितनी है, तो हम लोग ऐसे डिवाइड करके उसे काट देते हैं और वहां से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो दिस वाज द थर्ड लॉ ऑफ केपलर। तीनों लॉ क्लियर हो गए। यस सर। ओके चलिए अब डिस्कस करते हैं हम स्मॉल जी के बारे में। क्या नाम होता है स्मॉल जी का? ग्रेविटी। ग्रेविटी नो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलग चीज है ना। ग्रेविटी का मतलब क्या होता है? ग्रेविटी तो एक प्रॉपर्टी है ना एक बॉडी की, जो उसको मैंने किसी चीज को अट्रैक्ट करती है। अर्थ की ग्रेविटी हम बोलते हैं ना, अर्थ की ग्रेविटी है, तो एक यस उसका सर। यस सर। है ना, उसका एक प्रॉपर्टी है जो उसको अट्रैक्ट करती है अपने आसपास की बॉडीज को, तो उसको ग्रेविटी बोलते हैं। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है कि सर जो एक्सेलरेशन हो रही है ग्रेविटी की वजह से ऑब्जेक्ट की। हाँ, जो ये अट्रैक्शन हो रहा है उसके कारण जो फोर्स लग रहा है, इस फोर्स के कारण जो भी एक्सेलरेशन हो रहा है उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये एक्सेलरेशन है एक तरह का। एक्सेलरेशन हमारा फोर्स बाय मास होता है। अब मान लीजिए यस सर। बॉडी है ना, बॉडी का मास मान लीजिए एम है और इसका मास कैपिटल एम है, तो इन दोनों के बीच में फोर्स कितना होगा? अभी आपने पढ़ा था दोनों के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स कितना होगा, इतना जी एम एम अपॉन में जी आर स्क्वायर। जी आर स्क्वायर। एम एम अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मैंने यहाँ पे आर लिया, कैपिटल आर। कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है मैंने माना है ये लगभग सरफेस पे ही है। कहाँ पे ऑब्जेक्ट? लगभग सरफेस पे है, तो डिस्टेंस आर के बराबर होगा। ठीक है, अगर सरफेस पे ना होता, कुछ हाइट पे होता, ऑब्जेक्ट का सर डिस्टेंस नेग्लिजिबल कर देते हैं। हाँ, लेकिन अगर मान लो ये हाइट पे होगा तब क्या लूंगा मैं डी को यहाँ पे? अभी तो मैंने डी को आर, आर के बराबर लिया है यहाँ पे। अगर ये एच हाइट पे होता मान लो, तो क्या लेता मैं डी को? यहाँ पे जो डी लिखते हैं ना डी स्क्वायर, तो यहाँ पे मैंने आर स्क्वायर लिख दिया, यहाँ पे क्या लिखता मैं? चलिए स्क्वायर सर स्क्वायर आर प्लस एच तो आर प्लस होते हैं। है ना, क्योंकि यहां से इसके सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस लेंगे ना हम। आर प्लस एच का स्क्वायर। हाँ, तो डी स्क्वायर जब लिखोगे तो आर प्लस एच का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको भी देखेंगे। पहले हम इसको देख रहे हैं, जब सरफेस पे रखा हुआ है तो इतना फोर्स लग रहा है, ये तो क्लियर है सबको? यस सर। ओके, डिवाइड बाय मास। किसका मास लूं, अर्थ का मास लूं या बॉडी का मास लूं? अर्थ का मास। अर्थ का क्यों क्यों लूं अर्थ का मास? सर बॉडी का तो सर नेग्लिजिबल हो जाएगा ना बहुत कम। नहीं, हम निकाल क्या रहे हैं, हम क्या निकाल रहे हैं? एक्सेलरेशन। तो यस सर। सर किसका एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं? ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट का निकाल रहे हैं। तो हमने फोर्स किसका लिखा है, जो ऑब्जेक्ट पे लग रहा है वो लिखा है या अर्थ पे लग रहा है वो लिखा है? ऑब्जेक्ट पे लग रहा है वो वो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, पे लग रहा है तो ठीक है। और मास किसका लिखेंगे? ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट का मास लिखेंगे, क्योंकि उसका एक्सेलरेशन चाहिए तभी तो आएगा। जब उसका मास रखोगे, उस पर फोर्स लिखोगे, तभी तो आएगा। यस तो उसका मास रखेंगे अर्थ। ऑब्जेक्ट का मास हमने स्मॉल एम माना है, ऑब्जेक्ट का मास अर्थ का कैपिटल एम माना है, तो ये आ गया। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से?
इतनी आ गई वैल्यू, जीएम बाय आर स्क्वायर यस सर। ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सर, एक्सप्रेस। हाँ जी सर आपने जी के साइड में दो एम लिखे हुए हैं, एक तो अर्थ का मास है और एक ऑब्जेक्ट का, तो सर आपने फिर अपॉन में क्यों एम लिख दिया? ये तो फोर्स आया ना, ये तो इतनी चीज आई, ये जो चीज है ये तो फोर्स आया। एक्सेलरेशन मेरा फोर्स बाय मास होता है ना, तो फोर्स तो मैंने लिख दिया, ये तो फोर्स आ गया। अब मास भी तो लिखूंगा ये वाला, क्लियर हुआ? सर फोर्स के साथ भी लिखेंगे एम और मास है तो वो भी लिखेंगे। सर एफ इक्वल टू एम ए होता है ना, तो एफ यस यहाँ पे एफ कितना सर होगा, एफ कितना होगा, ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लगेगा, इतना फोर्स लगेगा। यस सर तो फोर्स की जगह लिख दिया मैंने ये, अब क्या लिखूँ यहाँ पे, इक्वल टू एम ए लिखूंगा, ये तो लिखूंगा, यस सर हाँ एम से एम काट लो, आपको ठीक है। ये चीज करी है ना सर आपने अभी ऊपर? हाँ हाँ सेम ही तो किया मैंने, यहाँ पे मैंने डिवाइड में लिख दिया, वहाँ काट दिया मैंने। सर ठीक है समझ आ गया। ठीक है, तो हमारा जो जी आया स्मॉल जी, वो जी एम बाय आर स्क्वायर आ गया। यहाँ पे एम क्या है, ये स्मॉल एम या फिर बिग वाला? वाला एम जो यहाँ पे बचा हुआ है अभी, सर अर्थ का मास, सर ये तो अर्थ का अर्थ, है ना? अर्थ का मास है। तो यहाँ पे जो एम है वो मास ऑफ द अर्थ है। इससे निकाल भी लेंगे स्मॉल जी की वैल्यू। यस इससे वैल्यू आ जाएगी। आर क्या है, हमारा रेडियस ऑफ द अर्थ है, सर यस सर तो इससे हमारी वैल्यू आ जाती है जी की, कितनी आती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड। ऐसे लगभग 9.8 के आसपास हमारी वैल्यू आ जाती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी वैल्यू आ जाती है। एक्सेलरेशन हमारा मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होता है ना, यस तो ये वैल्यू आ जाती है जी की। ये कहाँ पे आई है, सरफेस पे आई है या हाइट पे आई है, सर एट द सरफेस सरफेस पे। हाइट पे निकालूंगा तो वैल्यू कम आएगी ज्यादा आएगी, सर कम सर आएगी कम क्यों आएगी कम, सर, उसमें सर हाइट भी प्लस हो जाएगा और उसका भी स्क्वायर। करेक्ट। तो अगर मैं हाइट पे निकालूंगा, मान लो जी एट हाइट पे निकालूं, तो कितना आ जाएगा, जी एम बाय आर प्लस एच का आर प्लस स्क्वायर। एच का स्क्वायर तो हाइट पे ही आएगी जी की वैल्यू, सर यस सर और सरफेस पे जो आ रही थी वो कितनी आ रही थी, अगर मैं जी नॉट मान लूँ उसे, वो आ रही थी जी एम बाय आर स्क्वायर। जीएम बाय स्क्वायर तो कौन सी बड़ी है इसमें से, जीएम बाय आर जीएम स्क्वायर बाय जी आर नॉट स्क्वायर जी नॉट बड़ी है, और जी एच छोटी है आपकी फिर जी नॉट से। यस 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 सर, तो हम बोल सकते हैं जी एच जो है हमारा, तो जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे जी क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। घटता जाएगा। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे जी की वैल्यू हमारी कंटिन्यूसली घटती जाती है, तो वैल्यू कम हो जाती है। तो आपका वेट क्या होगा जैसे जैसे ऊपर जाओगे, सर कम होगा करेक्ट, तो घटेगा घटेगा, क्योंकि वेट हमारा एमजी होता है। तो अगर जी घटेगा यस तो सर, जी घटेगा तो वेट भी घटेगा। यस सर ठीक है, ये क्लियर हो गया सबको, यस सर यस सर ओके। सिमिलरली अगर आप डेप्थ पे लोगे, तो आपके कोर्स में तो सिलेबस में है नहीं फॉर्मूला, लेकिन इसका जो फॉर्मूला होता है डेप्थ पे जब आप जाते हो, तो यहाँ पे भी जी घटता है। तो अगर आप डेप्थ पे जाओगे, मान लो यहाँ से आप डी डेप्थ पे चले गए, ये सरफेस है मेरा, और आपने कोई माइन खोदी या कुछ गड्ढा खोदा आपने, और आप यहाँ डी डेप्थ पे पहुँच गए नीचे, तो ये डिस्टेंस आपका डी है,
और रेडियस ऑफ द अर्थ जो है आर है मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे जो जी की वैल्यू आती है एट डेप्थ डी पे, वो आपकी आती है जी नॉट 1 माइनस डी बाय आर। जी नॉट क्या है? सरफेस पे। यस और सर, इसका डेरिवेशन नहीं पढ़ाओगे? नहीं, ये आपके उससे बाहर है सिलेबस से, इसको मैं नहीं पढ़ाऊंगा आपको, ये 11th क्लास में पढ़ोगे आप लोग। ओके सर, सर, पर हमारे किसी क्वेश्चन में दिया था हम सर डायरेक्ट 9.1 लिख सकते हैं ना सर उसकी वैल्यू? इसको लिख सकते हैं यस सर, 9.8 सॉरी, 8 या 8.1 है ना, ऐसे को लिख सकते हैं। यस सर। तो ये हमारा जी एट डेप्थ डी है, तो ये भी क्या रहा है आपका, जी एट डेप्थ डी आपका जो है कम आएगा, जैसे जैसे डी बढ़ता जाएगा आपका तो ये चीज घटती जाएगी आपकी। देख रहे हो आप, डी अगर बढ़ रहा है आपका तो ये घट रहा है, नहीं घट रहा, यस ये 1 माइनस समथिंग लिखा हुआ है। जैसे जैसे आप इसको बढ़ाते जाओगे समथिंग घट, ये जो है बढ़ता जाएगा समथिंग जो है, यस और यस सर, ये बढ़ेगा तो ये पूरा घटेगा, है ना। मान लो पहले ये 1.1 है यहाँ पे, तो कितना आया, 0.9 आया वैल्यू, फिर ये बढ़ के हो गया 0.2, अब वैल्यू कितना आया 0.8, अब बढ़ के मान लो 0.3 यस हो गया, डी बाय आर का वैल्यू 0.3 हो गया, तो कितना गया 0.7। तो जैसे यस जैसे सर, वैल्यू, जैसे यस जैसे सर, ये वैल्यू बढ़ती जा रही है, ये वैल्यू क्या होती जा रही है, छोटी होती छोटी होती जा रही है। तो हमारा जो जी है इट जी डिक्रीजेज विद द डेप्थ ऑल्सो, तो हाइट के साथ भी घटता है और डेप्थ के साथ भी घटता है। जा रही। सर जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी है इसमें? यस नहीं, ऐसे नहीं बोल सकते हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी है, क्योंकि 1 माइनस डी लिखा है ना। सर, अगर ऐसे लिखा होता तो मैं कहता जी प्रोपोर्शनल टू डी है, लेकिन ऐसा तो लिखा नहीं हुआ, माइनस 1 माइनस करके लिखा है, तो उसको नहीं बोलेंगे हम लोग, है ना। सर ओके, तो जी हमारा हाइट और डेप्थ दोनों के साथ घटता है, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो मैं यहाँ पे पहुंच गया सेंटर पे, तो डेप्थ की वैल्यू कितनी होगी, डी की वैल्यू कितनी लूंगा सेंटर पे अगर मैं पहुंच गया तो, सर, रेडियस ऑफ अर्थ सर, प्लस हाँ यहाँ पे आर लूंगा। आप जो वैल्यू डी, डी की वैल्यू क्या है, सरफेस से यहाँ तक की दूरी है ना डी, तो यस अगर मैं सरफेस से और यहाँ तक की दूरी लूंगा तो ये कितनी आएगी सेंटर तक की, आर। रेडियस तो डी इक्वल टू आर होगा यहाँ पे सेंटर पे, ठीक सर, यस सर, है। इसमें कुछ का डाउट तो नहीं है, नो सर, नो ओके okay। सर, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी मेरी, 1 माइनस डी की जगह आर पुट कर देता हूँ, तो ये कितना आ गया, 1 आ गया, तो 1 माइनस 1 यस सर, जीरो, 9.8 सर, जीरो, जीरो, यस सर, जीरो, जीरो, जीरो। तो ये अगर आप डेप सेंटर पे देखेंगे, जी एट द सेंटर, वो कितना होता है हमारा, जीरो। जीरो जीरो तो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जीरो, ठीक है। यस सर। सर मतलब अगर हम सेंटर पे खड़े हो जाएंगे तो फिर हम जमीन पे नहीं रहेंगे, उड़ेंगे हम? हाँ, आपका वेट वहां पे जीरो हो जाएगा। यस, कोई ओके डाउट, सर, कोई डाउट पूछ रहे थे। यस सर। सर मैं पूछी सर, ये तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना सर, उसमें टाइम सर थोड़ी बहुत ग्रेविटी तो सर लगनी चाहिए ना, ये तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ग्रेविटी की वैल्यू कितनी आती है, जो फोर्स लगता है हम पे उसका वैल्यू कितना आता है, हम पे जो फोर्स लगेगा उसका वैल्यू, ये लिखोगे आप एम इंटू ए यस सर, या एम इंटू जी लिखोगे, है ना, ये तो फोर्स होगा हम पे। यस सर, अब अगर ये जी जीरो हो गया तो ये फोर्स तो जीरो ही हो जाएगा ना, यस सर, ठीक है। तो आपका जो ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर जीरो आ गया, तो उसका मतलब फोर्स वहां पे जीरो है, ठीक है।
सर फिर वेइंग मशीन से सर हमें 0 kg मास मिलेगा ना सेंटर पे तो? हाँ वहां पे अगर आप जाओगे तो वेइंग मशीन विल गिव यू 0 kg। ओके सर, सर क्योंकि वहां पे सर जी 0 हो जाएगा। हाँ वहां पे हमारा जो जी का वैल्यू है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, सर मास और वेट दोनों ही 0 आएंगे ना? हाँ सर मास तो मास हमने नहीं आएगा सर, मास तो मास जीरो, मास तो सेम रहेगा, मास 0 नहीं आएगा, मास तो उतना ही रहेगा जो हमारा है। सर। पर सर आपने लास्ट क्लास में बताया था ना सर कि वो तो सर जो कैलिब्रेटेड होती है सर वेइंग मशीन, तो सर वो 9.8 से डिवाइड कर देती है तो लगभग लगभग आ जाता है सर। अगर 0 होगा वेट तो उसको 9.8 से डिवाइड करके तो वो नॉट डिफाइंड 0 ही बता देगी। हाँ 0 तो आ जाएगी, लेकिन उसका मतलब ये है कि वो मशीन वहाँ पे मेजर नहीं कर पा रही आपका मास। इसका मतलब ये नहीं कि मास वहाँ पे है यस नहीं, सर, पर होगा तो कुछ मास होगा सर, लेकिन वो मास मेजर, तो कांस्टेंट ही रहेगा। मास तो कांस्टेंट ही रहेगा, सेम रहेगा जो आपका सरफेस पे था वही मास वहाँ पे भी रहेगा, है ना। लेकिन वो यस सर, मेजर पर मशीन शो नहीं करेगी। मशीन शो नहीं कर पाएगी, सर एक और सवाल था सर, मास 0 नहीं हो सकता है ना, यस सर, वेट हो सकता यस वेट सर, हो सकता है, तो मास 0 नहीं होगा, बस ये होगा मशीन वहाँ पे मेजर नहीं कर पाएगी, तो आपको किसी और तरीके से मेजर करना पड़ेगा वहाँ पे। मेजर तो आप कर लोगे, किसी और तरीके से करना पड़ेगा, तो कुछ और तरीका आपको सोचना पड़ेगा वहाँ पे मेजर करने का मास को। ओके सर। ओके चलो, तो हमारा जी जो है वो घट रहा है, अगर आप सरफेस से ऊपर जा रहे हो तब भी घट रहा है और नीचे जा रहे हो तब भी जी हमारा घट रहा है, और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आएगी, यहाँ पे हमारी वैल्यू जी की मैक्सिमम है। ठीक है, यस सर, ओके okay. ये जी एच है, ये जी डी है और ये जी है, तो जी हमारा मैक्सिमम है। अच्छा, इसमें दो चीजें और हैं जो जी के वैल्यू को फर्क डालती हैं अर्थ पे, वो उनमें से एक चीज है अर्थ का रोटेशन, अर्थ का रोटेशन। तो जो अर्थ रोटेट करती है, तो कोई चीज जब रोटेट करती है चीजों को कहाँ फेंकती है, बाहर को फेंकती है। यस सर, यस यस सर, है ना, बाहर को फेंकती है, तो ऐसी जब अर्थ आपकी रोटेट करती है तो वो भी इसको बाहर को फेंकती है, तो उसके कारण क्या होता है, हमारे ऑब्जेक्ट जो है बाहर को फेंके जाते हैं। तो यहाँ पे जो आपके ऑब्जेक्ट रखे होते हैं इनमें ऐसा कुछ फोर्स लगता है बाहर की तरफ को, तो इससे जी की वैल्यू क्या होगी, इसमें जी किधर को काम करेगा, इधर को काम करेगा, सर, तब भाई हमें पुल टुवर्ड करें। द, है ना, टुवर्ड द सेंटर काम करेगा एम जी फोर्स जो है, यस सर, यस और सर, ठीक है, और अर्थ का रोटेशन किधर को फेंक रहा है, बाहर को फेंक रहा है इसको। यस सर, यस सर, तो आपको जो जी यहाँ पे फील होगा वो ज्यादा फील होगा या कम फील होगा या बराबर फील होगा अगर ये घूमने लगेगी अर्थ, सर इक्वली होगा ना सर, नहीं मान लो अर्थ घूम नहीं रही कोई होती, अर्थ अगर घूम नहीं रही होती तो आपको फील? फोर्स एम जी फील होता। यस सर, यस अब सर, अर्थ अर्थ के घूमने की वजह से एक और फोर्स आ गया ये वाला, यस सर, अब आपको एम जी फील होगा या एम जी से कम ज्यादा फील होगा कुछ। अगर अर्थ एमजी से कम नहीं होगा, घूम एमजी सर, से एम जी कम, भी फील होगा और दूसरे वाला भी फील होगा, दोनों आपस में नेट फोर्स 0 है ना? नहीं बराबर होंगे तो 0 हो जाएगा, लेकिन बराबर अगर ना हो, मान लो ये छोटा फोर्स हो, एम जी बड़ा है, एम जी ज्यादा होता है आपका, एम जी ज्यादा है और सर ये फोर्स, अगर सर रोटेट कर रही होगी तो सर एम जी कम हो जाएगा। आपको नेट फोर्स कम फील होगा। यस सर, यस यस सर, आपने कभी रोलर कोस्टर में गए ऐसे करके, रोलर कोस्टर जो होता है ऐसे करके, यस तो सर, यस जब सर, हम, है ना, रोलर कोस्टर में जाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको फोर्स जो है इधर को लग रहा होता है आपको, सेंट कौन सा फोर्स, जैसे ये वाला फोर्स लग रहा है ना यहाँ पे बाहर की तरफ को, सेंट ऐसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं इसको, ऐसे यहाँ पे भी फोर्स इधर को लग रहा होता है, तो आपको एम जी ज्यादा फील होता है कम फील होता है, ज्यादा यहाँ पे क्या लगता है आपको, भारी लगता है यहाँ पे, हल्का लगता है बिल्कुल कि जमीन से उठ गए ऐसे लगता है जब यहाँ से आप जाते हो ऐसे यहाँ भारी लगता है क्योंकि सर हम पे ऊपर सर, उठने। हल्का और यहाँ पे फिर क्या लगता है, सर यहाँ भारी, सर यहाँ यहाँ आपको, पे यहाँ भारी, है भी लगता है ना आपको, यहाँ तो आंखें लोग बंद कहाँ करते हैं, यहाँ करते हैं ना आंखें लोग बंद, उनको लगता है बिल्कुल उठ गए जमीन से, यस मेरी सर, टोली यस नीचे ना सर, गिर ना जाए, तो यहाँ पे हम लाइट फील करते हैं, क्यों फील करते हैं लाइट, यस सर,
क्योंकि ये फोर्स इधर को काम करता है बाहर की तरफ को, जब ये सर्कल होता है ना, सर्कल का ये पार्ट है ये, तो ये इधर को फोर्स काम कर रहा है, तो आपके एमजी को क्या कर देता है, ये कम कर देता है, ये जो फोर्स है जो बाहर को लग रहा है वो एमजी के फोर्स को कम करता है, तो आपको क्या फील होगा, आपको नेट फोर्स जो है एमजी से कम फील होगा, आपको जो नेट फोर्स होगा एमजी से कम फील होगा, तो वेट आपको कम लगेगा अपना, ये क्लियर हुआ यहाँ यस पे? सर, एक हाइट पे पहुंचने के बाद 1 सेकंड के लिए स्टॉप दे रहा था। तो यहाँ पे हमारा लाइट फील होगा, ये बात क्लियर हुई सबको? सर मुझे नहीं हुई। यस सर, मुझे भी नहीं हुई। रोलर कोस्टर में गए हो आप लोग? यस अच्छा सर गए। गए, तो यहाँ पे क्या लगता है आपको, आप भारी लगता है ना, आपको ऐसा लगता है कि जमीन आपने बहुत प्रेस करी हुई है, आराम से आप प्रेस कर रहे हो उसे जमीन को, या ऐसा लगता है कि उठ गए जमीन से, बिल्कुल ट्रॉली उठ गई मेरी और नीचे गिर सकता हूँ कभी भी, ऐसा लगता है, यस सर, क्या लगता है? यस सर गिर जाएंगे। ऐसा लगता है ना ट्रॉली एकदम हवा में उड़ रही है और मैं गिर सकता हूँ कभी भी, ऐसा लगता है ना? यस सर, तो यस हवा में उड़ने का मतलब क्या है, आपको वेट क्या फील होता है, आपको ज्यादा वेट फील हो रहा है या कम वेट फील हो रहा है अपना? सर, कम सर कम। कम, यानी आपको लाइट फील हो रहा है यहाँ पे, बिल्कुल लाइट लग रहा है आपको वेट अपना, ठीक यस सर। है? क्यों लग रहा है लाइट, क्योंकि आपका एमजी जो वेट है वो किधर को काम कर रहा है, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ काम कर रहा है, अर्थ है आपकी जो है, यस लेकिन ये वाला जो फोर्स है, एक फोर्स जो है बाहर की तरफ को काम कर रहा है ना, सर, यस सर, एमजी के अगेंस्ट। एमजी के अगेंस्ट, तो ये क्या करता है, आपके जो आपको नेट फोर्स फील होगा वो कितना फील होगा, नेट फोर्स इतना फील होगा, सर, यस सर, तो आपको अपना वेट क्या लगेगा, जो आपका वेट है वो क्या लगेगा कम आपको, लग सर, लाइट लाइट कम हो गया, क्यों कम हो गया, बिकॉज ऑफ एफ फोर्स के फोर्स कारण, जो अपोजिट लग रही है एमजी के, बिकॉज अपोजिट लग रही ऑफ एफ फोर्स। है, एफ फोर्स जो एमजी के अपोजिट लग रही है, अभी क्लियर हुआ? यस सर, ठीक है, तो ऐसा जब आप जाते हो तो यहाँ पे फोर्स आपका अपोजिट है, किधर को लगता है, सेंटर से बाहर की तरफ को, सर्कल में बाहर की तरफ को फोर्स ऐसे लगता है ये, ठीक है, जब आप ऐसे मूव करते हो तो ये बाहर को लगता है, क्लियर? यस सर, यस सर, यस सर, ओके, तो ऐसे ही जब ये अर्थ घूम रहा है तो अर्थ पे आप खड़े हो तो आप भी सर्कल में घूम रहे हो, यस सर, यस सर, है ना, आप भी खड़े हो, मान लो आप इंडिया में खड़े हो तो आप ऐसे घूम रहे हो सर्कल में, तो आपको फोर्स लगेगा एक यस बाहर सर, को, आपको बाहर को फोर्स लगेगा एफ, और एम जी किधर को लगेगा, एम जी अंदर को लगेगा टुवर्ड द सेंटर, ठीक है, यस सर, तो क्या होगा इसके कारण, आपका वेट आपको ज्यादा फील होगा या कम फील होगा अपना, क्योंकि सर कम अपोजिट लग रहा है ना, एम जी के अपोजिट लग रहा है एफ, तो हमारा वेट क्या होगा यहाँ पे, घट जाएगा या फिर यस जी, सर, हाँ आपका जो जी है इट विल डिक्रीज। अच्छा, ये एफ किस पे डिपेंड करेगा, कि अर्थ कितना तेज घूम रहा है, जैसे आपका यहाँ पे जो फोर्स लगता है किस पे डिपेंड कर रहा है, आपकी ट्रॉली कितनी तेज चल रही है उस पे डिपेंड करेगा ना, सर, अगर मान लो ट्रॉली यहाँ पे रुकी हुई हो ट्रॉली, तो क्या आपको हल्का फील होता है, अगर रुकी हुई हो ट्रॉली यहाँ पे, नो नहीं सर, नहीं होता, कब कब होता है, जब तेज भाग रही होती है तभी फील होता है आपको, सर, यस सर, तो ये फोर्स तभी लगता है जब ये वेलोसिटी पे डिपेंड करता है कि वेलोसिटी कितनी है, तो जितना यहाँ पे आपकी वेलोसिटी होगी उतना फोर्स आपका लगेगा ये, यस ठीक सर, है, वेलोसिटी कैसे आएगी आपकी, रोटेशन के कारण, जितना अर्थ रोटेट कर रहा होगा तेजी से, जितना तेजी से रोटेट करेगा उतना फोर्स लगेगा आपको, यस सर, ठीक है, तो यस अर्थ, सर, ठीक है, तो अगर अर्थ बहुत तेजी से रोटेट करने लगे तो ये भी हो सकता है कि आपको बिल्कुल वेट अपना जीरो फील होने लगे, अर्थ का रोटेशन वैसे बहुत कम होता है, हल्का होता है, तो इसलिए आपको ज्यादा फील होता नहीं, लेकिन अगर अर्थ बहुत तेजी से रोटेट करने लगे तो आपको अपना वेट जीरो फील हो सकता है, यस जैसे कि यहाँ ट्रॉली में हो गया था, क्लियर हुआ ये? सर, ये हमें लेकिन सर एक्चुअली में सर वो होता नहीं है ना सर। मैंने उसका इफेक्ट बहुत कम होता है ना, आपका मान लो जी का जो वैल्यू आ रहा है 9.8 आ रहा है, 8.1 मान लो या 8.2 आ रहा है सपोज, अर्थ के कारण जो थोड़ा सा फोर्स आ जाएगा उसके कारण वैल्यू मान लो 0.001 आ गया, तो इससे माइनस करोगे तो कितना आएगा, ज्यादा फर्क थोड़ी पड़ेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पे कुछ हुआ है ऐसा, लेकिन मान लो ये यस सर, वैल्यू, मान लो अर्थ तेजी से रोटेट करने लगे और ये वैल्यू मान लो आपकी आ जाए 9 के बराबर,
तब आपको पता चलेगा, नहीं चलेगा ये क्या हो गया, वेट आपको एकदम से वेट अपना बहुत हल्का फील होने लगेगा, से पता। है ना। तो अर्थ के रोटेशन के कारण जी विल डिक्रीज। ये 0.01 वेलोसिटी लिए क्या? V1, V2 वेलोसिटी कहाँ पे ली? अर्थ सर की जीरो वेलोसिटी। पॉइंट जीरो वन ये तो मैंने एक्सेलरेशन जी की वैल्यू ली है कि अर्थ के, यस, अट्रैक्शन फोर्स के कारण जी की वैल्यू आ रही थी, और ये जो भार को फोर्स लग रहा है उसके कारण जो भी ए की वैल्यू आएगी, मान लो जो भार को फोर्स लग रहा है ना ये वाला, तो ओके सर। मैं दिखाता कि जी की वैल्यू घट जाएगी तो कुछ कम हो जाएगी, तो 9.81 हो जाएगी घट के। तो अर्थ के रोटेशन के कारण, बोलिए। अगर अर्थ रोटेट करना बंद कर दे, पर सर जब भी सब जिंदा रहे तो सर फिर उसके बाद सर जी बढ़ जाएगी ना? हाँ थोड़ा सा आपको ज्यादा फील, मैंने अगर फील होगा तो ज्यादा फील होगा थोड़ा सा, अगर अर्थ रोटेट ना करे, रुक जाए या फिर, ओके तो सर। जी है ना, तो जी हमें ज्यादा फील होगा। और अगर सर फील ज्यादा होगा और मीजर करेंगे जब भी ज्यादा होगा। हाँ मेजर भी करोगे, डिपेंड करता है आपने कौन सा इंस्ट्रूमेंट लिया है। अगर आपने इंस्ट्रूमेंट ऐसा लिया है जो अर्थ के रोटेशन पे डिपेंड ही नहीं करता तो फिर तो बराबर ही फील होगा, लेकिन अगर वो डिपेंड कर रहा है उसके रोटेशन पे, आपके मेजरमेंट पे डिपेंड करता है मैं कैसे मेजर किया उसको, तो मेजर करोगे भी ज्यादा होगा, यस ऑब्वियस मेजर करोगे तो भी बढ़ेगा, बढ़ेगा वो भी है ना, यूजुअली बढ़ जाएगा, तो दोनों चीजें बढ़ेंगी, आपको फील भी ज्यादा होगा मेजर भी ज्यादा होगा, ठीक है। हाँ सर। जी अगर जो हमारी अर्थ ना घूमे तो सर ग्रेविटी हमें सब खींचेगी सर, अपोजिट तो कोई फोर्स रहेगा नहीं, तो सर उस टाइम तो हमें भी फील होगा सर, हम चलेंगे तो सर वो अपने तरफ और खींचेगी, तो हमारे पैर भी नहीं उठ पाएंगे ना अच्छे से। बहुत भारी हो जाएगा। नो नो नो, ऐसा नहीं होता। अभी भी जो आप पे फोर्स लग रहा है, मैं बोलता हूँ आपको जो फोर्स लग रहा है वो पूरा लग तो रहा है भाई, अर्थ जितना फोर्स लगा रही है उतना लगा रही होगी मान लो, तो जो रोटेशन हो रहा है उसके कारण कोई बहुत फर्क थोड़ी पड़ता है, थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है बस। आप पे मैक्सिमम 99.9% फोर्स तो लग ही रहा है अर्थ का जो लग रहा है अभी, अभी भी रोटेशन से तो थोड़ा सा फर्क पड़ता है, 0.1% का, 0.01% का, तो आपका वेट इतना यस थोड़ा सर। ही फर्क पड़ेगा, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा अर्थ के रोटेशन रुकने से, ठीक है। ओके सर। लेकिन अगर अर्थ तेजी से रोटेट करने लगे तो ये हो सकता है कि बहुत तेजी से करने लगे तो आपका फिर तब फर्क आपको दिखने लगेगा क्या हो रहा है। यस सर। तो जी विल डिक्रीज बिकॉज ऑफ द अर्थ रोटेशन, ठीक है। एक इफेक्ट तो ये है, दूसरा इफेक्ट क्या है, आपने पढ़ा था जी इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर होता है। यस सर। Okay. अगर मेरा आर ज्यादा हो तो जी क्या होगा? डिक्रीज डिक्रीज, एकदम कम। आर ज्यादा हो तो जी कम होगा, तो आपका क्या होता है एक्चुअली, जो अर्थ होता है ना आप ऐसे मानते हो कि भाई ये स्फेयर है, इसका आर बराबर है सब जगह, तो सब जगह जी बराबर है, लेकिन ऐसा एक्चुअली होता नहीं है। अर्थ का जो शेप है वो थोड़ा सा यहाँ पे फूला हुआ है, जिसका इक्वेटर है, जो इसका इक्वेटर है यहाँ पे थोड़ा सा हमारा रेडियस ज्यादा है, ये वाला रेडियस ज्यादा है एज कंपेयर टू इसके, ये पोल है नॉर्थ यहाँ पे, पोल और साउथ हाँ यहाँ पे पोल है ये और ये इक्वेटर है आपका, तो आपकी जो ये रेडियाई है इसको हम बोलते हैं पोलर रेडियाई, जो सेंटर से पोल की तरफ को होती है, और इसको होगी। ये कम होगी, और ये जो इक्वेटर रेडियाई है ज्यादा होगी, तो आर इक्वेटर जो होता है, रेडियस ऑफ द इक्वेटर जो होती है एट इक्वेटर, ये ज्यादा होती है आर एट द पोल पे, क्यों होती है, क्योंकि अर्थ यहाँ से फूला हुआ है तो ये रेडियस यहाँ पे ज्यादा होती है, ठीक है। तो अगर ये ज्यादा है तो जी यहाँ पे क्या होता है फिर, कम होता है। कम हो जाएगा इक्वेटर पे, ठीक है। तो आपका इक्वेटर पे जी का वैल्यू कम होगा, तो वेट आपको क्या फील करेगा यहाँ पे, कम या ज्यादा इक्वेटर पे? सकम सर ज्यादा इक्वेटर पे जी का वैल्यू कम है तो वेट क्या फील करेगा, सर कम कम। वेट आपका एमजी होता है ना, मतलब सर क्यों एमजी होता है वेट आपका, ज्यादा तो अगर जी कम होगा यहाँ पे तो वेट कम होगा, तो जी कहाँ पे कम है हमारा, इक्वेटर पे कम है। सर।
तो हम बोल सकते हैं वेट एट इक्वेटर जो होगा हमारा वो कम होगा एज कंपेयर टू पोल के, थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, ऐसा नहीं कि मैंने आपका आधा हो जाएगा वेट, ऐसा कुछ हो जाएगा, थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, ये भी बहुत कम लेकिन कम होगा। यस ठीक है, ये क्लियर हुआ? यस सर। यस सर, जो हम जी लेते हैं सर 9.81 सर, वो हम इक्वेटर की लेते हैं ना? 9.81 इज द पोलर, पोलर है वो ज्यादा वाली है। ओके सर। तो वेट हमारा इक्वेटर पे कम होगा, पोल पे ज्यादा होगा। तो ये सारे जो इफेक्ट हैं, तो आपका डेप्थ के साथ घटता है, हाइट के साथ घटता है, रोटेशन अगर ज्यादा होगा तो घटेगा जी का वैल्यू, या फिर आप इक्वेटर पे आओगे तो घटेगा। तो ये सब जो है रीजन है आपके जी का वैल्यू चेंज होने का। ये क्लियर हुआ? यस सर। यस। ओके, तो अगर हमारा वेट यहाँ पे कम है तो अच्छा, आप एक चीज बताओ, सैटेलाइट हम छोड़ेंगे, सैटेलाइट छोड़ते हैं जब हम अर्थ से, रॉकेट छोड़ते हैं, तो हमें कहाँ से छोड़ोगे, इक्वेटर से या पोल से? सर इक्वेटर। क्यों इक्वेटर से? क्यों? सर क्योंकि उस टाइम से उस पर जी इफेक्ट लाइट थोड़ा रहेगा। कम लगेगा। करेक्ट, कम लग रहा होगा। तो इंडिया में जो इक्वेटर है, इंडिया से इक्वेटर पास करता है क्या? नो सर। सर पास तो नहीं, सर पास में है सर इंडिया इक्वेटर से। इक्वेटर से पास में, इक्वेटर में क्या है, श्रीलंका से पास करता है शायद नीचे। यस सर। तो यस हमारा सर। जो, ओके, तो हमारा जो नियरेस्ट पॉइंट है इक्वेटर से वो तमिलनाडु की तरफ होगा कहीं? यस सर। यस सर। सर इसलिए इसरो की सर जितने भी लॉन्चेस होते हैं वो सर तमिलनाडु में ही होता है मोस्टली। करेक्ट, इसलिए जो हमारे सैटेलाइट स्टेशन है वो आंध्र प्रदेश तमिलनाडु की साइड साउथ में बनाए गए हैं, है ना? यस सर। क्योंकि वहां पे हमारा रॉकेट का वेट थोड़ा सा कम फील होगा, तो उसको फिर कम फ्यूल चाहिए होगा ऊपर जाने के लिए। यस सर। ओके, इनफैक्ट आप यूएसए वगैरह का देखोगे तो उनका भी जो है इक्वेटर के पास उन्होंने बना रखा है अपना। यस सर। तो ये हम यहां से हमें फायदा होता है। तो समझ में आया जी का वैल्यू से क्या फर्क पड़ता है? यस सर। यस सर। ओके, तो अब आप लोगों को वेट और मास में डिफरेंस क्लियर हो गया। अच्छा, मैं मून पे जाऊंगा तो मेरा क्या चीज चेंज होगा, वेट या मास? सर वेट। तो क्या सर वेट? अगर मैं मून पे जाऊंगा तो मेरा वेट चेंज होगा केवल, मास सेम रहेगा? यस सर। यस यस सर। यस सर। ठीक है, उसमें क्वेश्चन कई बार ऐसा पूछता है कि एक 60 kg की बॉडी है, उसको मून पे ले गए, इसका मास कितना होगा? 60 kg होगा। बच्चे कह रहे थे 60 kg। हाँ, तो स्टूडेंट क्या करते हैं, 6 से डिवाइड कर देते हैं, 10 kg कर देते हैं, लेकिन सर ऐसा वो नहीं वेट होगा। में करना होता है। हाँ, वो वेट में करेंगे, है ना? तो मास का जो होगा, सर 6 से डिवाइड क्यों करते हैं? क्योंकि सर वहाँ पे जो वहाँ पे ग्रेविटी जी बाय 6 है अर्थ के मुकाबले। हाँ, तो उसका वेट अगर पूछता ना कि वेट कितना होगा, क्या होगा, तो वेट आपका जो होगा इस केस में, वेट ऑन द अर्थ क्या होगा इसमें? सर एमजी। एमजी, तो 60 × 9.8 कर लेंगे। यस सर। और वेट ऑन मून निकालना हो तो 16 × g/9 ये कर अराउंड लेंगे। 10 kg। अराउंड आपका इतना आ जाएगा, इसको डिवाइड कर देंगे 10 × 9.8 यानी 98 newton आ जाएगा। सर 98 newton। और इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, लगभग 0.6 चला जाएगा, तो कितना आएगा, 8,000 इतना कुछ आ रहा है, 5,588 newton। ठीक है, तो ये वेट ऑन द अर्थ हुआ, ये वेट ऑन द मून हुआ, तो ये दोनों आपस में 1/6 है, ये इसका 1/6 ये है ना? तो वेट आपका 1/6 हो गया, लेकिन मास हमारा 60 का 60 ही रहा। यस। ठीक है, चलिए। ओके,
अच्छा एक चीज बताइए कि अगर अर्थ और मून है वो घूम रहा है उसके बीच में ग्रेविटेशन फोर्स काम कर रहे हैं। यस सर, यस सर कर रहे हैं। तो अच्छा वो घूम रहा है तो या तो मून हमारा अर्थ पे क्यों गिर क्यों नहीं जाता। तो घूम रहा है ना तो गिरता क्यों सर नहीं। उसकी भी तो खुद ग्रेविटेशनल है उससे क्या हुआ सर वो तो कि फिर वो इफेक्ट हमें है। अट्रैक्ट करता है, हम उसे करते हैं तो सर वो बीच में उधर जा जाता है, करता नहीं फिर तो कोलाइड कर जाना चाहिए रहता है दोनों। इसके आसपास सर, कोलाइड ही कर क्योंकि जाएगा। सर ग्रेविटी जो है वो वीक फोर्स है। ग्रेविटी वीक फोर्स। ओके और कोई रीजन। वीक तो है लेकिन इतना वीक भी नहीं है। इसका मास बहुत ज्यादा है ना अर्थ का और मून का। तो वीक फोर्स तो तब होता है अगर मास बहुत कम हो तो आपकी वैल्यू कम आती है। लेकिन मान लो जैसे हमने ये सॉल्व किया था ना g(mm)/r² अगर मान लो एम की वैल्यू बहुत ज्यादा हो मान लो 10^30 kg कर दूं मैं यहाँ पे और 10^20 kg ऐसे कर लूं तो अब क्या वैल्यू कम आएगी ज्यादा आएगी ये ज्यादा ऐसे कुछ है। तो काफी वैल्यू आ जाएगी। तो 20 मान लो ये 11 है तो ये 10^ समथिंग कुछ आ जाएगा 6.67 आई थिंक 10^30 और 50 50 में से 10 गया तो 40 और 11 और गया तो 13 29 ऐसे कुछ आ जाएगी वैल्यू। सर तो वीक फोर्स है मैंने नॉर्मल मास पे उतना फोर्स काम नहीं करता लेकिन अगर बड़े बड़े मास हो बहुत बड़े बड़े जैसे अर्थ और मून है तो उस पर तो काफी फोर्स है आपस में। तो वी कैन नॉट से इट इज कि इसके कारण नहीं होगा। तो ये तो नहीं हो सकता रीजन। दूसरा रीजन आप बोल रहे हो कि अट्रैक्ट इस पे भी ग्रेविटेशन फोर्स है तो दोनों अगर ग्रेविटेशन फोर्स है दोनों पे तो फिर तो जल्दी कोलाइड करेंगे दोनों अट्रैक्ट करेंगे आपस में। अर्थ इधर को अट्रैक्ट होगा मून इधर को अट्रैक्ट होगा दोनों कोलाइड कर जाएंगे। तो क्या रीजन है। सर इन पे, क्योंकि सर और प्लैनेट भी तो लगाते हैं फोर्स। नहीं उनका तो नेग्लिजिबल होता है काफी दूर है बाकी प्लेनेट तो अर्थ के मुकाबले बहुत दूर है। उनका सर सन फोर्स भी लगाता है। काफी कम आएगा। वो फोर्स सन का फोर्स आ सकता है लेकिन वो भी सर इतना नहीं सन है। अर्थ को अट्रैक्ट करता है, सर अर्थ मून को करता था सर, वो इसलिए एक दूसरे के रोटेशंस लेते रहते हैं। अच्छा तो फिर अच्छा ये बताओ कि सन और अर्थ घूम रहा है तो ये अर्थ क्यों नहीं गिरता सन के अंदर। क्योंकि सर सन के पास से ग्रेविटी नहीं होगी क्यों सन पे तो बहुत ग्रेविटी। सन तो बहुत हैवी है ना। सन तो सबसे हैवी सर, मास वो है अपना सबको अट्रैक्ट कर रहा है वो तो। तो हैवी है ना तो अटैक कर रहा है तो फिर ये गिरते क्यों नहीं इस पे अर्थ या प्लूटो व्लूटो सब आके यहाँ गिरते क्यों नहीं इस पे सन पे आके। जुपिटर मार्स सबको गिर जाना चाहिए यहाँ पे आके। सर क्योंकि सर वो फ्रीली सर मूव करते रहते हैं स्पेस में। इसका रीजन देखो ये इसका रीजन है इस पे ना एक और फोर्स। वैसे तो आपके सिलेबस में ज्यादा है नहीं फिर भी ये होता है सेंट्री एक जैसे आपने यहाँ फोर्स देखा था ना जब कोई चीज सर्कल में घूमती है तो उस पर एक फोर्स बाहर की तरफ को काम करता है जैसे आपने यहाँ पे देखा या फिर यहाँ पे यस देखा। सर, सेंट्रीफ्यूगल। हाँ इसे बोलते हैं सेंट्री फ्यूगल फोर्स। ठीक है तो जब अर्थ घूम रही है यहाँ पे सर्कल में तो इस पे भी कौन सा फोर्स काम कर रहा है एक और सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीफ्यूगल। फोर्स। तो ये क्या करता है इस ग्रेविटेशन फोर्स को बैलेंस कर लेता है। जो ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा था ना सन का उसके बराबर होता है उसे बैलेंस कर लेता है ये और ये अंदर की साइड लगता है या बाहर की साइड? बाहर की साइड। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट आउटवर्ड। ओके सर। सर सर अंदर एस्टेरॉइड्स सेंट्रीपिटल। क्यों टकराते हैं? सॉरी सर फिर एस्ट्रॉइड्स क्यों टकराते हैं सर, जो मून के साथ हमारे साथ पहले बहुत सालों से सर उसके ऑर्बिट में चलते रहते हैं, फिर सर आके क्रैश हो जाते हैं अर्थ पे। उनका ऑर्बिट डिस्टर्ब होता होगा ना किसी कारण से। किसी कारण से ऑर्बिट डिस्टर्ब हो गया किसी अट्रैक्शन फोर्स के कारण या समथिंग। ओके सर। मान लो अर्थ का ही ये डिस्टर्ब हो जाए पाथ तो अर्थ ही हो सकता है आपका कुछ ऐसे मूव करके यहाँ जाके टकरा जाए ऐसे कुछ करके अगर कोई डिस्टर्ब कर दे यस तो। सर। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वर्क अवे फ्रॉम द सेंटर यानी आउटसाइड काम करता है अवे फ्रॉम द सेंटर। आपने देखा था ना उसमें भी दोनों केस में हमने आउटसाइड ही लिया था। आपके जो झूला वाला केस था उसमें हमने
अवे लिया था। अगर आप यहाँ पे देखोगे झूले में सेंटर कहाँ पे होगा इसका सर्कल का, जो आप झूला कर रहे हो नीचे होगा ऊपर होगा? नीचे। नीचे। अगर इसको सर्कल मानो आप तो सर्कल का पार्ट है एक, इसका सेंटर नीचे की तरफ होगा, तो यस फोर्स हमने ऊपर को लिया है, तो सर। ये अवे काम करेगा। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है बैलेंस कर देता है ग्रेविटेशन फोर्स को, तो इसलिए हमारा अर्थ के चारों तरफ मून घूम रहा है, या फिर मून सन के चारों तरफ अर्थ घूम रही है। क्लियर हुआ? अगर अर्थ अपने ऑर्बिट से डिस्प्लेस होती है तो सर वो मून को साथ में लेकर होगी ना डिस्प्लेस? हाँ हो सकती है, लेकिन अगर सडनली डिस्प्लेस हो गई मान लो एकदम से, तो हो सकता है मून भी साथ में ना जाए, अकेले भी चली जाए। अगर सडनली हो गई धीरे धीरे तो हो, मून को क्यों लेके जाएगी वो? अच्छा, क्योंकि मून अर्थ के साथ क्यों है? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ द अर्थ। तो यस अगर मैं सर। अर्थ को थोड़ा सा, अर्थ को थोड़ा थोड़ा डिस्प्लेस करूं धीरे धीरे, तो ये भी डिस्प्लेस होने लगेगा धीरे धीरे। देखो तो सर अगर मून होगा तो फिर अर्थ भी होगी। हाँ ऑब्वियसली अगर अर्थ मूव करेगा तो मून भी मूव करेगा साथ में, है अच्छा, ना? तो फिर सन भी लेकिन रोटेट करता है। करता है, लेकिन हम लोग आपके जो 9th क्लास तक हम नहीं मानते कि सन रोटेट कर रहा है, हमने मानते सन रुका हुआ है, लेकिन सन भी करता है, सर अपनी एक्सेस पे करता है ना वो तो। अपनी एक्सिस पे भी करता है। वैसे भी तो कर रहा है, गैलेक्सी में जो सन है वो सबकी पोजीशन फिक्स नहीं है ना, सब लोग मूव कर रहे हैं ना। आपकी गैलेक्सी जो है यस इज सर। एक्सपेंडिंग, यू नो, तो सब चीज आपकी मूव हो रही है, पूरा सोलर सिस्टम आपका मूव कर रहा है, एक जगह पे थोड़ी है सोलर सिस्टम रुका हुआ, यस सर, मूव कर रहा है। सोलर सिस्टम ही मूव कर रहा है पूरा आपका, तो दैट इज द थिंग। तो ठीक है, तो इसमें ये चीज आएगी, तो आई होप ये क्लियर है सबको कि अर्थ जो है सन की तरफ क्यों नहीं गिरती, या फिर मून जो है अर्थ की तरफ क्यों नहीं गिरता, इन स्पाइट उन दोनों के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है तब भी वो क्यों नहीं गिरता। ठीक है, यस सर। ओके। ओके, अच्छा एक चीज बताओ, अगर आप अर्थ के ऊपर एक पेपर लो, पेपर उसका मास एम है, आप ऐसे उसको गिराओ, और एक केस में आप बॉल बना के उसको गिराओ, तो कौन फास्ट गिरता है? सर बॉल। बॉल सर बॉल सर क्यों, बॉल फास्ट क्यों गिरती है? जी तो सेम है, फोर्स फोर्स ज्यादा ज्यादा होता होता है क्योंकि उसका मास ज्यादा होता है। है, मास तो सेम है मान लो दोनों का मास एम है, अब उसी पेपर का मैंने बॉल बनाया, रेडियस कम है उससे सर, क्या फर्क पड़ेगा, रेडियस, रेडियस से क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि सर जो रेडियस होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है ग्रेविटेशन के, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन के। ओके, तो अगर रेडियस कम है तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, आप ये बोल रहे हो? नो सर, ज्यादा नहीं होगा तो फिर क्या रीजन है? रेडियस कम है तो एयर सर। रेजिस्टेंस भी तो आ जाती है सर फिर उस चीज में। करेक्ट, यहाँ पे एयर रेसिस्टेंस आ जाती है, यस तो एयर रेसिस्टेंस के कारण किस पे ज्यादा एयर रेसिस्टेंस लगेगा, इस पे फर्स्ट केस पे सेकंड केस पे? सर, फर्स्ट फर्स्ट पे, इसलिए फर्स्ट क्या होगा, जल्दी नीचे पहुंचेगा जल्दी नहीं धीरे आएगा, फिर फर्स्ट पे एयर सर, रेसिस्टेंस है धीरे ना जाएंगे। ये, तो जैसे यस सर, पैरासूट, फर्स्ट देर में। पैरासूट वाला केस हो गया ना ये, तो यस सर। गो स्लो। अच्छा अगर मान लो यहाँ पे एयर को मैं हटा दूँ तो सर सेम, सर वैक्यूम सर में तो सेम ही सेम ही, जाते हैं। सर सेम ही। तो वैक्यूम में दोनों सेम जाएंगे, कितनी स्पीड से जाएंगे, यानी धीरे धीरे जाएंगे दोनों या बहुत तेजी से जाएंगे दोनों वैक्यूम में? तो तेज जाने सर एम चाहिए। इनटू ए में जाएंगे। कितने एक्सेलरेशन से जाएंगे, विद ए इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर? यस सर। तो ये दोनों ऐसे गिरेंगे जैसे बॉल गिरी थी ना यहाँ पे, पेपर भी ऐसे गिरेगा बिल्कुल वैक्यूम में। तो फिर बॉल और तेज नहीं होगी सर, या फिर सर जितना वो गिरती है उतना ही होगी? तो बॉल क्या नहीं होगी, मैं कह रही हूँ सर, बॉल का सर वैसे सर मास देखा जाए तो सर वो ज्यादा है, तो सर अगर उसमें एक्सीलरेशन का देखें तो सर उसको वो सर अपने जो उसका मास था उससे वो तेज गिरनी चाहिए सर, वैक्यूम में देखे तो सर नो पेपर की बॉल। नो नो। देखो एक तो हमने मास दोनों का सेम लिया है पहली बात, तो
मास तो हमने सेम लिया है, पहली बात तो ये है, ठीक है? तो सेम आएगा दोनों का एक्सेलेरेशन, इतना क्लियर? यस दूसरी बात, अगर मान लो मास डिफरेंट भी होता, अर्थ का केस लेता हूँ मैं, मान लो अर्थ के ऊपर एक पत्थर है ये और एक ये बड़ा पत्थर है, दोनों को गिराता हूँ, तो एक्सेलेरेशन इनका डिफरेंट आएगा सेम आएगा? एक्सेलेरेशन जो जी के बराबर आता है उसकी वैल्यू कितनी आती है, जी एम बाय आर स्क्वायर। यस सर ये एम किसका मास है? मास अर्थ का मास ऑब्जेक्ट है ना। ऑब्जेक्ट का मास तो कट गया था ना जब हमने एम से डिवाइड किया था, तो ऑब्जेक्ट का तो कट गया था मास, सर यहाँ पे एम से एम तो कट गया था ये वाला, तो यहाँ पे जो मास बचा था यस कितना, मास ऑफ द अर्थ बचा था। सर तो यानी जो जी की वैल्यू आएगी, क्या इस पे डिपेंड कर रही है कि कौन सा मास है आपका, हैवी है या लाइट है? नो सर नहीं कर रही। तो दोनों की वैल्यू क्या आएगी, 9.8 आएगी। बड़ा पत्थर यस गिरेगा, दोनों हमारा जी जो है दोनों के लिए 9.8 आएगा, तो दोनों साथ में नीचे आएंगे, तो इस पर डिपेंड नहीं करेगी कि मास हमारा ज्यादा है या कम है। क्लियर? सर वैक्यूम नहीं, नॉर्मल भी कंडीशन, पत्थर है ना दोनों, तो पत्थर पे एयर फ्रिक्शन तो लगेगा नहीं ना ज्यादा, एयर का रेजिस्टेंस तो ज्यादा लगेगा नहीं, सर तो दोनों 9.8 से नीचे आएंगे, है ना? पेपर के केस में क्या होता है, पेपर के भी एक्सेलरेशन 9.8 ही आता, अर्थ का फोर्स उतना ही लग रहा है उस पर भी, माने अर्थ के कारण तो एक्सेलेरेशन उतना ही आएगा, लेकिन साथ में क्या हो रहा है, एयर का रेजिस्टेंस भी लग जा रहा है, यस उसके सर उसके कारण वहां प्रॉब्लम आ रही है ना। अगर वो ना लगे तो तीनों ही 9.8 से ही आएंगे फिर, तो ये बड़ा वाला पत्थर, छोटा वाला पत्थर और पेपर, तीनों ही 9.8 से आएंगे फिर, ठीक है? यस ओके। अच्छा ये बताओ, अभी सर जो हम कौन सा फोर्स लगाते हैं सर अर्थ पे? ग्रेविटेशन, हम भी तो ग्रेविटेशन लगाते हैं भाई, हम दोनों के बीच में जो फोर्स है वो सेम है ना, जितना फोर्स मैं अर्थ पे लगा रहा हूँ उतना ही अर्थ मुझ पे लगाएगी। हमने क्या लिखा है, फोर्स एफ इक्वल टू जी एम एम बाय आर स्क्वायर, इतना फोर्स अर्थ मुझ पे लगा रही है और मैं अर्थ पे लगा रहा हूँ, दोनों बराबर फोर्स लगाएंगे ना। यस अच्छा, लेकिन मैं नीचे गिरता हूं, अर्थ नहीं गिरती ऊपर, ऐसे अर्थ ऊपर नहीं आती, ऐसे क्यों होता है? फोर्स तो दोनों बराबर लगा रहे हैं, तो मैं तो नीचे गिर जाता हूं, या सेब जो है नीचे गिर जाता है पेड़ से लेकिन अर्थ नहीं आती ऊपर, जबकि फोर्स तो दोनों का बराबर है, जो सेब जो है अर्थ पे लगा रहा है, अर्थ सेब पे लगा रहा है, एप्पल पे लगा रहा है उतना फोर्स, तो अर्थ क्यों नहीं ऊपर आती, सेब क्यों नीचे जाता है? सर, क्योंकि सर उससे ज्यादा टाइम चाहिए ऊपर आने के लिए। क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज्यादा है ना, अगर आप एक्सेलरेशन निकालोगे, मान लो मैं, ये फोर्स है दोनों का, ठीक है, ये मान लो मास ऑफ द अर्थ है, एक मास ऑफ द मैन है, तो इतना फोर्स होगा दोनों के बीच में, मास ऑफ द सर अर्थ जीएम इनटू अपॉन आर्स यस ये फोर्स होगा दोनों के बीच में, है ना? सर अब मैं मान लो एक्सेलरेशन ऑफ द मैन निकालूं, तो क्या लिखूंगा मैं, एफ बाय मास ऑफ द मैन लिखूंगा, यस तो कितना आएगा ये, सर ये आएगा। और अगर मैं एक्सेलरेशन ऑफ द अर्थ निकालूं तो कितना आएगा, जी एम एम बाय आर स्क्वायर आर स्क्वायर। तो फर्क क्या है इसमें, जी एम ई आ रहा है, यहाँ पे एम एम आ रहा है। मास ऑफ द मैन तो बहुत कम होगा, 60 किलो 40 किलो, मास ऑफ द अर्थ बहुत ज्यादा होगा, तो एक्सेलरेशन ऑफ द मैन क्या होगा, किसका एक्सेलरेशन ज्यादा आएगा, सर एक्सेलरेशन ऑफ ज्यादा आएगा बल्कि बहुत ज्यादा आएगा, है ना? मैन क्योंकि अर्थ का मास ज्यादा है, तो ये चीज यहाँ पे ज्यादा है, क्योंकि अर्थ का मास ज्यादा है तो उसका एक्सेलरेशन क्या आता है, बहुत कम आता है, तो आपको फील भी नहीं होगा, अगर अर्थ ऊपर आ भी रही होगी तो उसका एक्सेलरेशन बहुत कम होगा, आपको सेव का ही फील होगा, 9.8 नीचे की तरफ को, अर्थ का फील भी नहीं होगा आपको। यस सर तो इसलिए हमें लगता है कि ये नीचे है, ठीक है? क्लियर हो गया सबको? अभी ये फोर्स बराबर होंगे। यस कुछ पूछ रहे हैं? ओके, फोर्स बराबर होगा, ठीक है, फोर्स में फर्क नहीं होगा, फोर्स दोनों बराबर लगाएंगे, जो अर्थ लगाएगा मैन पे उतना ही मैन लगाएगा अर्थ पे, ठीक
है, क्लियर हुआ सबको? यस सर। यस सर। चलो तो इसके एक बार आप क्वेश्चन देख लेना जो क्वेश्चन और दिए हुए हैं, बाकी हम कुछ न्यूमेरिकल भी क्लास में भी करेंगे जो वो हैं आपके वीक इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड हैं। बाकी जो इसके न्यूमेरिकल हैं जैसे कि आपने अभी किया ना एफ इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर, में आर को डबल कर दूँ तो क्या होगा, एम को इतना कर दूँ, तो ये क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको एक बार देख लीजिएगा और बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। तो आई होप अब चैप्टर समझ में आ गया होगा सब लोगों को। सर फ्री फॉल भी पढ़ाओगे? फ्री फॉल रह गया बस। फ्री फॉल तो यार वही है, अगर आप बॉडी नीचे गिर रही है, आपने फ्री फॉल ही तो पढ़ा है सर, ये जो बॉडी नीचे गिर रही है अगर फ्रीली, तो उस पर जो फोर्स काम कर रहा है वो जी एम बाय आर स्क्वायर काम करता है, और जी एम बाय आर स्क्वायर जो होता है हमारा ये होता है, तो उससे फ्री फॉल मतलब वी इक्वल टू यू प्लस एटी, आप इक्वेशन यूज करना चाह रहे हो ना ये वाली? यस सर, ये सारी काइनेमेटिकल काइनेमेटिक वाली, तो जी आ जाएगा उसकी जगह पे, तो पढ़ेंगे अभी क्लास में, बाकी लोगों ने भी नहीं पढ़ा ना, लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे ना, इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सर सर ये आपने ए 01 को भी नहीं पढ़ाया ये अभी? नहीं उनको अभी मैंने क्वेश्चन क्वेश्चन कहाँ कराया, मैंने भी इस पे क्वेश्चन कराया नहीं ना अभी। सर उनका तो हो चुका है सर, पहले हो गया था उनका, उनको हो गया। ये एक्चुअली काइनेमेटिक्स, आपने काइनेमेटिक्स पढ़ा है, ये क्वेश्चन पढ़ी है आपने? यस सर, तीनों पढ़ी है फर्स्ट चैप्टर मोशन में। क्वेश्चन करें? यस सर कर रखे हैं। हाँ तो बस यहाँ पे फर्क क्या है, यहाँ पे एक ही जगह पे जी आ जाएगा बस, वही तो करना है हमें, तो क्वेश्चन देख लेंगे। बस सर यही फर्क है सर। हाँ यही तो फर्क है और क्या है, यहाँ पे एक ही जगह जी आ जाएगा। ओके है। वहाँ पे आपको क्या बोलते हैं, वहाँ पे आपको कांस्टेंट प्रेशर? बोलो सर। मतलब कांस्टेंट प्रेशर भी रह गया। कौन सा रह गया सर? थ्रस्ट एंड प्रेशर। आप लोगों का हुआ नहीं थ्रस्ट एंड प्रेशर? नो सर। ओके आर्किमिडीज प्रिंसिपल जी मैं पढ़ा रहा था तो आप लोग थे शायद? सर आपने पढ़ा रखा है तो। बस प्रेशर का आपको बेसिक पढ़ाना पड़ेगा मुझे ना, थ्रस्ट एंड प्रेशर में बेसिक आपको आइडिया नहीं होगा बस। आर्किमिडीज तो आर्किमिडीज तो मैंने पढ़ा था आपको? यस सर आपने पढ़ाया था। ओके तो ठीक है, थ्रस्ट एंड प्रेशर भी कर लेंगे, मैडम को बोल देना एक क्लास उसकी कर लेंगे। यस सर ठीक है। और के बाद सर इस चैप्टर का मेंटी क्विज कर सकते हैं सर, A01 के साथ चैप्टर का मेंटी क्विज? यस सर। यस सर रख लो सर, मजा आएगा। अच्छा चलो करते हैं, ट्राई करते हैं मेंटी क्विज का, ट्राई करते हैं फिर। ठीक है और बताओ क्या डाउट है आप लोगों का इसमें चैप्टर में, कुछ पूछ रहे थे आप लोग? सर आप जैसे कुछ बोल रहे थे वो काइट सेट पर बोल रहे हैं ना? हाँ काइट सेट पे पैकेज होगा ना आपका स्टडी मटेरियल यहाँ पे होता है। यस सर। तो वहाँ पे सर आपने सर उसमें सर इस वाले चैप्टर के नहीं डाल रखी शायद? हाँ मैंने ऐप में नहीं होगा, पैकेज पढ़ा होगा ना, पैकेज का पूरा पैकेज ही पढ़ा होगा, पीडीएफ जो पढ़ा हुआ है वहाँ से कर लो सर, उसमें से कर ले। हाँ उसमें से कर लो, जो पीडीएफ है ना हमारा। ओके सर उससे कर लो। ठीक है सर। डीपीपी कब अपलोड होगी इसकी? डीपी अपलोड नहीं है ग्रेविटेशन की, अपलोड नहीं है क्या? हेलो सर एक बार सर चेक कर रहा हूँ अभी। चलो मैं भी देख लूंगा, कोई नहीं आप देख लेना, नहीं भी होगी तो आप यहाँ से कर लो, यहाँ पे काफी क्वेश्चन दिए हुए हैं आपके, जो वो है ना क्या नाम बोलते हैं पैकेज, पैकेज मॉड्यूल है उसमें लेवल 1, 2, 3 वगैरह में काफी क्वेश्चन दिए हैं हैं, तो ठीक है। हाँ जी सर, मतलब नेक्स्ट क्लास हमारी एक और लेक्चर जो होगा वो हमारा मतलब अलग ही होगा, A01 के साथ नहीं होगा है ना? आप मैडम को बता देना कि मेरा हमारा प्रेशर नहीं हुआ, एक चैप्टर वो भी रह गया है, तो सर की एक क्लास और लगा दो, तो मैडम लगा देंगे आपकी, अलग से लगा देंगी। लगा देती हूँ। ठीक है ओके सर। चलिए मैं भी बोल दूंगा, आप लोग भी बोल देना, लेकिन मेरे को कई बार ध्यान नहीं रहता ना, मेरी कई सारी क्लास होती है, ध्यान नहीं रहता कई बार। ओके सर चलिए, तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर हम लोग। यस सर बाय। थैंक यू सर, गुड इवनिंग सर। थैंक यू सर, गुड इवनिंग सर। ओके बाय एवरीवन।